गुड मॉर्निंग। तो तीन पार्ट, दो पार्ट हो चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो हमने बेसिक किया और दूसरा बेटे हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट में टाइम लगा, जो भी लगना था। अब तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड, इसका नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटलिस्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटलिस्ट। अब इसके अंदर भी हमें पार्ट में पढ़ना है। तो सर क्या क्या करना है इसमें? पहला करना है हमें, पहला प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच। दूसरा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। हम इसको RADR बोला करेंगे, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। इसके बाद हम करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। और इसके बाद आएगा डिसीजन ट्री। और लास्ट में एक मॉडल है जिसका नाम है हिलर मॉडल या हिलर मॉडल। ये बस, और फिर ये पार्ट नंबर थ्री हमारा खत्म हो जाएगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटलिस्टी। इसमें हम लोगों को प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच करना है, RADR करना है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच करना, डिसीजन ट्री करना है एंड हिलर मॉडल। बेटे सीधी सीधी बात समझ रहा हूं, बिल्कुल अच्छी। हम लोग किसी प्रोजेक्ट में तो मैं ये बोल रहा था बेटे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में पैसा हम कब लगाते? आज, ठीक है। एनपीवी हम कैसे निकालते थे पहले याद करो सर। एनपीवी हम ऐसे निकालते थे, पैसा आज लगाते थे प्रोजेक्ट में, ये हमें पक्का पता रहता था कि इतना पैसा लगेगा। पर उससे पैसा कब आएगा? कैश इनफ्लो, CFAT बोलते थे जिसको, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, जो ये कब का है? फ्यूचर का। क्या फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाला है वो सर्टन है कि अनसर्टन? अनसर्टन। रिस्क है कि रिस्क फ्री? रिस्क है सर। तो क्या उस रिस्क को हमें रीड करना पड़ेगा? यस, हमें पता लगाना पड़ेगा कि भैया जितना एनपीवी का सोचा है उतना एनपीवी आएगा भी कि नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें डिस्कस करना। एक्चुअल में हम जो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में इतना होगा, पर भाई डेविएट भी तो हो सकता है। मैं कह रहा हूं मेरा 5,000 रुपए एनपीवी आएगा अगर मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं तो, पर क्या डेविएट भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो कितना डेविएट हो सकता है? ये बहुत कुछ पढ़ना है। तो उस रिस्क को एनालिसिस करने के लिए हमें ये सब करना है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, डिसीजन ट्री एंड हिलियर मॉडल। बस पहला देखोगे बेटे, फर्स्ट प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। अच्छा एक बात और समझ लो,
पोर्टफोलियो का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये चैप्टर तभी उठाना जब पोर्टफोलियो आपका हुआ होगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ोगे। ये वाला टॉपिक तभी समझ में आएगा जब पोर्टफोलियो पढ़ा हुआ। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं, चलो स्टार्ट करें। हाँ, तो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, एक बात बताऊं, मान लो मैंने ना अलग अलग केसेस में अलग अलग सिनारियो में एनपीवी निकाला। जब हम एनपीवी निकालते तो हम कैसे एनपीवी निकालते पता है? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ ऐसे निकालते। ठीक है सर, सर कैश इनफ्लो कितना आएगा? मैंने कहा यार चलो मैं सिनारियो, मैंने अलग अलग सिनारियो, मैंने कहा बूम, रेसेशन, नॉर्मल, इस तरह से अलग अलग सिनारियो में मैंने कहा अगर बूम होगा तो सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा तो एनपीवी ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि एनपीवी 10,000 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। ऐसा भी हो सकता है कि एनपीवी 4,000 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। ऐसा भी हो सकता है कि रेसेशन में एनपीवी 2,000 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। तो मैंने अब की बार एक बार एनपीवी नहीं निकाला, अलग अलग सिनारियो से अलग अलग एनपीवी निकाला, बूम, नॉर्मल, रेसेशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे नहीं मालूम इकोनॉमी क्या है, क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाला जा सकता? हाँ सर निकाल सकते हैं, हमको तो आता है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सबको सम कर दिया, आंसर आ गया यस, ये पोर्टफोलियो में किया हुआ है। हालांकि इसमें हम टेबल बना रहे थे, जो निकलता था उसको हम एक्स बार बोलते थे, याद है? हाँ सर। फिर क्या करते थे हम डेविएशन निकालते थे कि जो एनपीवी हमने निकाला है एक्स बार, वो डेविएट कितने से हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता 10,000 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता 4,000। हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद हो रहा, उसको बोलते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर डिसीजन किस बेसिस पे लेते थे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस, जिसमें सीवी कम हो वो कम रिस्की है। खैर मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो का नॉलेज चाहिए तभी ये चैप्टर छूना, नहीं तो बेटे मैं वापस पोर्टफोलियो, वापस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वापस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, मैं रिवीजन करवा सकता हूं, पूरा वापस करवा नहीं सकता। ठीक है जी सर, तो लिखते हैं, लिखोगे फॉलोइंग स्टेप्स applied to find out risk in capitalist. स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपी। तो एक्सपेक्टेड एनपी भी निकालना, तो बहुत सारी एनपी भी निकली होगी, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्सपेक्टेड एनपी भी, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ पीएक्स। अच्छा सर ये तो स्टैट्स आ गए। हाँ बेटे हाँ, खैर करवाऊंगा ये क्वेश्चन के साथ। स्टेट नंबर टू, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज रिस्क, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू
समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी किया हुआ हमारा, यस सर। स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार। मतलब छोड़ो, क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा। हाँ, एक बात आपको बता देता हूं, हायर सीवी, अगर सीवी ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि हायर रिस्क। सर फिर भी इसको अगर समझना है हमको, हमने पहले ये स्टार्ट कर दिया बाई चांस तो क्या कर सकते हैं? तो फिर बेटे आप पोर्टफोलियो का क्लास नंबर 1 देखोगे, क्लास 1 में ही सब कुछ है और यूट्यूब में भी डाला हुआ, तो आपकी मर्जी। जिन्होंने पोर्टफोलियो की क्लास नहीं खरीदा, सिर्फ कैपिटल बस्टिंग खरीदा है, तो वो यूट्यूब का में मेरा पोर्टफोलियो का लेक्चर डाला हुआ फर्स्ट, उसमें ये सब कैलकुलेशन मैंने समझाया हूँ अच्छे से। फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन के साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं, सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं। और आ जाइए पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है कंपनी इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक्स और वाई में से दोनों नहीं खरीद सकते, भले ही एनपीवी पॉजिटिव क्यों ना हो, दोनों में से किसी एक को खरीदना है। प्रोजेक्ट ए में पैसा लग रहा है 30,000, प्रोजेक्ट ए नहीं एक्स, प्रोजेक्ट वाई में पैसा लग रहा है 36,000, ठीक है। यू आर गिवन बिलो द एनपीवी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोजेक्ट। अलग अलग सिनारियो के बेसिस पर अलग अलग एनपीवी निकाला गया है। बोले एनपीवी 3,000 भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, 6,000 भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 12,000, 15,000। पर अगर हम लोग प्रोजेक्ट वाई में पैसा लगाते हैं तो 3, 6, 12, 15। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे। Compute the risk attached to each project, that is standard deviation of each probability distribution. SD निकालना है और बताना कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की और क्यों, मतलब CV निकाल के देखेंगे। और compute profitability index, PI निकालना। सुनो, इसको टेबल में भी कर सकते हैं और सीधा एक लाइन में भी कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा होगा कैपिटल बस्टिंग में टेबल यूज ना करके सीधा लाइन यूज करते हैं। मैं आपको समझाते हुए काम कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स, एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल टू, बताओ बेटे कितना आ सकता सर? 3,000 आ सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.1 प्लस, और कितना आ सकता सर? 6,000 भी आ सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.4 प्लस, और कितना आ सकता सर? 12,000 भी आ सकता, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 प्लस, और कितना सर? 15,000 भी आ सकता,
और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.1। याद है ये पहले किया हुआ है। यस 3000 इंटू 0.1 एम प्लस 6000 इंटू 0.4 एम प्लस 12000 इंटू 0.4 एम प्लस एंड 15000 इंटू 0.1 एम प्लस एमआरसी। एनपीवी आ गया 9000। सर अब किसकी बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड एनपीवी 3000 इंटू 0.2 प्लस 6000 इंटू 0.3 प्लस 12000 इंटू 0.3 प्लस 15000 इंटू 0.2 3000 इंटू 0.2 एम प्लस 6000 इंटू 0.3 एम प्लस 12000 इंटू 0.3 एम प्लस और 15000 इंटू 0.2 एम प्लस एमर्स। लो भाई इसका भी एनपीवी कितना आ गया 9000। क्वेश्चन में भले ही मुझे कुछ भी बोले, अच्छा क्वेश्चन सुना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ये बोले कि आपको डिसाइड करना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू, तो ठीक है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम होगा, वो प्रोजेक्ट कम रिस्क है, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है अभी तो यहां बड़ा मुश्किल है, अभी तो रिस्क को एक साइड जाने दीजिए, दोनों ही प्रोजेक्ट में एनपीवी 9000 है, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। हां अगर इसका एनपीवी आता 10000 और मुझे रिस्क को इग्नोर करना, रिस्क पे बात, तो फिर मैं सीधा सीधा जिसका एनपीवी ज्यादा उसको एक्सेप्ट, सबसे अच्छा डिसीजन एनपीवी। चलो फिर मैं अब भी आगे और डिस्कस कर रहा हूं। एक बार एनपीवी तो निकल गया, दूसरे नंबर पे क्या मांगा उसने? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है तो चलो सबसे पहले बात किसकी कर ले, प्रोजेक्ट एक्स। अब सुना ध्यान से मेरी बात, कितना एनपीवी एक्सपेक्टेड है 9000, पर क्या पक्का है 9000? ऐसा भी तो हो सकता है कि 3000 आ जाए, हाँ डेविएट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 6000 आ जाए, हाँ तो डेविएट हो सकता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि वैसे तो कितना आने वाला 9000 एक्स माइनस एक्स बार, पर 3000 भी तो आ सकता है। यस 3000 माइनस 9000, आप क्या सोच रहे हो कितना आएगा? 9000, पर ऐसा हो सकता 3000 आ जाए, तो डेविएट हो सकता, कितने का डेविएट हो सकता? 6000 का, और इतना डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.1। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं ऐसा ही लिखकर सबको ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा, और उसके लिए हमें मजबूरी में क्या लगाना पड़ता है? स्क्वायर, ये मैं समझा चुका हूं, और स्क्वायर लगा तो इसको हटाने के लिए फिर मुझे क्या लगाना पड़ता है? स्क्वायर रूट, याद है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। प्लस ऐसा भी हो सकता है 6000 आ जाए, जबकि आप सोच कितना रहे हो 9000, तो 3000 का डेविएशन हो सकता, उसकी इतना डेविएशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.4। प्लस 12 ज्यादा भी आ सकता है, और आपने सोचा कितना था? 9000 स्क्वायर,
और इतना डेबिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड लास्ट प्लस 15,000 भी आ सकता है माइनस 9,000 स्क्वायर और ये डेबिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 एसडी आ गए 3,000 माइनस 9,000 इनटू इक्वल टू इनटू 0.1 एम प्लस 6,000 माइनस 9,000 इनटू इक्वल टू इनटू 0.4 एम प्लस 12,000 माइनस 9,000 इनटू इक्वल टू इनटू 0.4 एम प्लस 15,000 माइनस 9,000 इनटू इक्वल टू इनटू 0.1 एम प्लस एमआरसी स्क्वायर रूट तो डेविएशन आ गया बेटे 3,795 इतने रुपए का डेविएशन हो सकता है। तो जैसे प्रोजेक्ट एक्स का निकाला है वैसे ही हम किसका निकालेंगे प्रोजेक्ट वाई का। चलो कितना है 9,000 3,000 भी आ सकता तो सीधा सीधा लिखो 3,000 माइनस 9,000 स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.2 प्लस 6,000 माइनस 9,000 स्क्वायर इनकी प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 12,000 माइनस 9,000 स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 15,000 माइनस 9,000 स्क्वायर इनकी प्रोबेबिलिटी 0.2 सीधा ये जाए 3,000 माइनस 9,000 इनटू इक्वल टू इनटू 0.2 6,000 माइनस 9,000 इनटू इक्वल टू इनटू 0.3 12,000 minus 9,000 into equal to into 0.3 and 15,000 0.2 square root 4,450 हाँ जी सीधी सीधी बात क्या एनपीवी के हिसाब से डिसीजन लेने की आपकी हैसियत है नहीं सर 9,000 दोनों का एनपीवी है तो एचडी के हिसाब से बता दो कौन सा कम रिस्की है ये तो इसी को एक्सेप्ट करूंगा बात खत्म ये तो ज्यादा रिस्की है पर फिर भी सर एनपीवी में डिफर होता ये डिफर होता तो फिर एक तरीका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब भी बोलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है तो आप हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया करो और क्या उसमें पूछा है विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की हाँ तो पॉइंट नंबर 2 में ही हमको निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अब इसको हटा दूं यस लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ठीक है जी जी सर करना क्या फॉर्मूला लगाना फॉर्मूला लगा रहे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सर समझाओ बेटे बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट एक्स बताओ बेटे एनपीवी कितना नहीं फॉर्मूला उल्टा हो गया भाई हमें तो रिस्क ढूंढना है ना मैं रिटर्न नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार ये है रिस्क रिस्क को ऊपर लिखना पड़ेगा बताओ कितना रिस्क है 3,795 कितने रिटर्न के पीछे 9,000 रिटर्न के पीछे इतना रिस्क है तो एक रुपए पे कितना डेविएशन 3,795 डिवाइडेड बाय 9,000 तो अगर 0.42
इसका मतलब अगर हम एक रुपया एनपीवी कमाएंगे तो हमारा एनपीवी डेबिट हो सकता है 42 पैसा ऊपर 42 पैसा नीचे। ऐसे ही किसका प्रोजेक्ट वाई का 4450 डिवाइडेड बाय 9000.49। कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है? दिख ही रहा, वैसे तो एचडीसी ही पता लग गया था, तो लिख लेते हैं। प्रोजेक्ट वाई इज मोर रिस्की ड्यू टू एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा, पी आई भी निकाल देते हैं, फिर क्वेश्चन खत्म। पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पीएल और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऐसे निकाला जाता, पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसी। तो सबसे पहले किसका निकालें, प्रोजेक्ट एक्स। चेक करो बेटे कितना पैसा लगा है, 30,000। प्रोजेक्ट एक्स में आप 30,000 लगा रहे हो और कमा कितना आ रहा है, 39। सर ये 39 किधर से आया बेटे, 9,000 एनपीवी है, 30,000 पीवीसीओ है, तो पीवीसीओ में 9,000 एनपीवी तो पीवीसीओ ही आएगा, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते। सर ठीक है, बात समझ में आ गई, 39,000 डिवाइडेड बाय 31.3। ऐसे किसका निकाल देते, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाई में कैश आउटफ्लो कितना है, 36,000। 36,000 प्लस 9,000 45,000 डिवाइडेड बाय 36,000 ये आ गया 1.25। अगर पीआई के बेसिस पे डिसीजन दो प्रोजेक्ट वन अच्छा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब जब ये टॉपिक उठाया है तो इसको खत्म नहीं कर देते, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने कर लिया, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और। इस क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 32, और पेज नंबर 30 और 13 में भी दो टाइप के क्वेश्चन है, ए और बी। तो पहले 13 का क्या कर ले, हम ए करते ए फिर बी के क्वेश्चन, 13 का ए। चलो जी पढ़ते हैं। लिखा है साइबर कंपनी इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज ₹5,00,000, दोनों में 5,00,000 रुपया जाएगा। ईच इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ 5 years। अंडर 3 पॉसिबल सिचुएशन देयर एनुअल कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी। एनुअल कैश फ्लो दिया तो भाई 6,00,000 रुपए भी आ सकता है, 4,00,000 भी आ सकता है, 2,00,000 भी आ सकता है।
ठीक है, अगर प्रोजेक्ट वाई में जाए तो 5-5 लाख भी आ सकता, 4-4 लाख भी आ सकता, 3-3 लाख भी आ सकता। देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए में मैं 3 NPV निकाल सकता हूँ, यस, फिर एक्सपेक्टेड NPV निकाल सकता हूँ। प्रोजेक्ट वाई में भी 3 NPV निकाल सकता हूँ, एक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन विथ वर्किंग। सुनो, आपको सीधी बात में बताऊं, इसमें कहीं भी डेविएशन वेविएशन नहीं पूछा, मैं पॉइंट नंबर वन की मैं बात कर रहा हूं। हाँ सर, कहीं भी तो डेविएशन नहीं पूछा, मेरा डिसीजन सीधा एनपीवी के बेसिस पे होगा। हाँ, अगर एनपीवी एक जैसी आ गई तो फिर मजबूरी में मुझे, तो समझ रहे हो ना, डेविएशन वगैरह निकालना पड़ेगा। सर तो एनपीवी कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका भाई, हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते, अभी निकाला था, यस, उसके लिए हमको 3 NPV और इसमें 3 NPV हम निकाल सकते हैं, ये मान के कि हर साल 6-6 लाख रुपए आएगा, या फिर 4-4 लाख आएगा, या फिर 2-2 लाख आएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करना है, थोड़ा सा लंबा जाएगा पर कम से कम पूरी बात समझ में रहेगी। तो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट एनपीवी फॉर्मूला कौन लिखना, ये मान के चल रहा हूं कि 6 लाख आएगा, 6 लाख 1 / 1.07, 1, 2, 3, 4, 5, 4.100, 2 ले लो, ठीक है सर। माइनस पैसे कितने जा रहा है, 5 लाख रुपए बस। हाँ सर, बस 5 लाख। अच्छा जी, तो 6 लाख × 4.1002 माइनस 5 लाख, ये आ गया एनपीवी 1960120। और इतनी प्रोबेबिलिटी कित, क्या है प्रोबेबिलिटी, दूसरा एनपीवी या फिर कितना आ सकता हर साल, यह तो 4 लाख आ सकता, 4.1002 माइनस 5 लाख 1140, इतना भी एनपीवी आ सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.4, तीसरा सच में 2 लाख 4.1002 माइनस 5 3200, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। तो हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकते हैं,1960120 × 0.3 + 1140820 × 0.4 + 3200 × 0.3, ये आ गया 1140
00 इतना एनपीवी आ सकता है, एक्सपेक्टेड एनपीवी, अगर मैं प्रोजेक्ट ए में पैसे लगाता हूं। पर हम अब लगाएंगे प्रोजेक्ट बी में, इसका भी देख लेते, जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा एक्सेप्ट कर लेंगे, बात खत्म। चलो सर, तो इसमें कुछ नहीं बोला कि आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, कहीं भी नहीं। एनपीवी कितना आ सकता है? 5 लाख आ सकता है, इंटू 4.1002 माइनस 5 लाख, तो ये आ गया 1550100। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एक जैसी। दूसरा, या फिर हर साल कितना आ सकता? 4 लाख, 4.1002 माइनस 5 लाख, ये उतना ही आ जाएगा, 1140080। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटे? 0.4। एंड लास्ट में कितना हो सकता? 3 लाख। थ्री लाख इंटू 4.1002 माइनस 5 लाख, आ गया 7300060। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। दैट्स इट। तो अब क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड एनपीवी या तो आ सकता है 1550100 इंटू 0.3, या तो आ सकता है 1140080 इंटू 0.4, या तो आ सकता है 7300060 इंटू 0.3। जिसका एक्सपेक्टेड एनपीवी ज्यादा आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 1550100 इंटू 0.3, 1140080 इंटू 0.4, 7300060 इंटू 0.3। ओहो, एनपीवी आ गया 1140080। हो गया काम बिट्टे। और अब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, उसकी वजह है कि ये एनपीवी और ये एनपीवी एक जैसा है। अगर इसमें थोड़ा भी चेंज होता, ये ज्यादा आ जाता, तो मैं आग बंद करके इसको एक्सेप्ट कर लेता, ना डेविएशन निकालता ना कुछ निकालता। प्रॉब्लम बस इतनी है कि अब एनपीवी एक जैसा है, तो अब डिसीजन मुझे किस हिसाब से लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए सर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट 6 लाख माइनस 1960120 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 4 लाख। नहीं, गड़बड़ा है, कैश फ्लो में भी निकाल सकता हूं मैं, ये है ना मेरा और ये एनपी, मुझे ये करना पड़ेगा 1960120 माइनस 1140080 स्क्वायर, और ये डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। याद है अभी किया था ऐसा? हाँ सर, 1140080 माइनस 1140080 स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 3200
4 0 - 1 1 4 0 0 का स्क्वायर इनटू 0.3 और ये स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं डेविएशन कितना। 1 9 6 0 1 2 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3 1 1 इधर जीरो हो जाएगा। ये वाला देख रहा हूँ 3 2 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3 फिर से देखते 1 9 6 0 1 2 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3 m plus 3 2 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to 0.3। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते बेटे 1 9 6 0 1 2 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3 इसको m plus में डाल दिया 3 2 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to ये error बता रहा है। तो इसको एक step में solve कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। मतलब पहले इसको सॉल्व करके एम प्लस में इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, फिर इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, फिर स्क्वायर रूट कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। 1 9 6 0 1 2 0 - 1 1 4 0 0 8 0 इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री। पहले इसको लिख लेता हूँ 2 0 1 7 3 9 बड़ा सा कैलकुलेशन 2 0 1 7 3 9 6 8 0 and 4 8 0। अब ये तो 0 जाएगा, ये वाला देख लेते 3 2 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3। सर ये भी लिख लो ना 2 0 1 7 3 9 6 8 0 कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस 2 0 1 7 3 9 6 8 0 4 8 0 और इसका करना है स्क्वायर रूट। बात समझना बिट, इसका वेरिएशन और इसका वेरिएशन एक ही आ रहा, तो बस उसी को ऐड कर देना 2 0 1 7 3 9 6 8 0 4 8 0 इंटू 2 और इसको किया स्क्वायर रूट। तो ये आ गया डेविएशन ₹6,35,000। ऐसे किसका निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वायर का। अल्टरनेटिव कैश फ्लो का भी निकाल सकते, कैश फ्लो से भी काम कर सकते, पर मैं इससे करूं जो हमने किया। चलो जी इसका भी कर लेते हैं, किसका बी का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 1 5 0 1 0 - 1 1 4 0 0 8 0 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी कितना 0.3। दूसरा वाला तो 0 आना, पर फिर भी फॉर्मेलिटी को पूरी कर देता हूँ 1 1 4 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 का स्क्वायर इनटू 0.4 एंड लास्ट 7 3 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 का स्क्वायर इनटू 0.3। इसको एक स्टेप और ले जाता हूँ 1 5 0 1 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3। तो 5 0 4 3 4 9 2 0 and 1 2 0 प्लस ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0। नीचे वाला देख लेते 7 3 0 0 - 1 1 4 0 0 8 0 into equal to into 0.3।
ये भी उतना ही आएगा क्योंकि वेर 50434920120 बस इसका 504349020 into 2 का स्क्वायर रूट, तो डेविएशन आ गया 317600। अब बस बात खत्म हो गई है, मुझे इतना बता दो, NPV तो दोनों का ही जैसा है, तो यहां NPV के बेसिस पे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो डेविएशन देखो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है तो ये रिजेक्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्टरनेटिव इसके बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहो तो पीएमए ने निकाला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एनपीवी एक जैसा है, तो फिर सीधा सीधा काम कर लेते। बताओ बेटे कि कौन सा आप एक्सेप्ट करोगे, प्रोजेक्ट बी। वजह वजह यह है कि एनपीवी सेम है और रिस्क भी कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है, तो बस पॉइंट नंबर वन में विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, तो लिखेंगे प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट बी, शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज प्रोजेक्ट बी प्रोवाइड सेम एंड एट लोअर रिस्क, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर ए। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया था पर ठीक है, करना तो पड़ेगी, और कोई ऑप्शन। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर बी, अभी 32 ही चल रहा है, 32 का पॉइंट नंबर बी, और सुनो ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बी अलग पॉइंट है, ए अलग पॉइंट नंबर बी। पढ़ते A company is considering project X and Y with the following information. Project X, Y दोनों दिया है। Thank God, expected NPV निकाल कर देती है और एक बात standard deviation भी निकाल कर देती है। Which project will you recommended based on above data? सुनना ध्यान से, लिख लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। दो प्रोजेक्ट है, एक है X, एक है वाई, एनपीवी दिया हुआ है 1,22,000, 2,25,000, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 90,000 और 1,20,000। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इन डेटा के हिसाब से बताइए कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे, वो ये नहीं बोल रहा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ नहीं, बस बस इस डेटा के हिसाब से, तो मैं आंख बंद करके एनपीवी के हिसाब से डिसाइड करूंगा 2,25,000 प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर एनपीवी, और कुछ नहीं सोचना। हाँ अगर वो बोलेगा कि रिस्क के हिसाब से बताओ तो फिर मुझे, क्योंकि बेटे हम लोग ना हमारा बेसिक ही एनपीवी होता, चलो पॉइंट नंबर ए का आंसर दे रहा है, पॉइंट नंबर बी में पॉइंट नंबर वन का आंसर। प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड क्यों, ड्यू टू पॉइंट नंबर टू, एक्सप्लेन वेदर योर ओपिनियन विल चेंज,
इफ यू यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क। अब उसने बोल दिया है कि रिस्क का मेजरमेंट सीवी से करोगे और उसके हिसाब से आपका क्या आंसर, मतलब सीवी के हिसाब से डिसीजन की बात कर। चलो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और सीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, प्रोजेक्ट एक्स का सीवी डेविएशन कितना लिख रहा है भाई, 90 डिवाइडेड 1,22,000 और ऐसे किसका निकालोगे, प्रोजेक्ट वाई का डेविएशन कितना, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 90,000 डिवाइडेड बाय 1,22,000 0.737 और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 0.533। कौन सा ज्यादा रिस्की, ये ज्यादा रिस्की। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन विद योर ओपिनियन इफ यू यूज। तो बस लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीवी प्रोजेक्ट वाई इज लेस रिस्की। सही तो है भाई, प्रोजेक्ट वाई इज लेस रिस्की। We select project Y, एक ही आंसर है। एनपीवी में भी प्रोजेक्ट वाई नहीं, और नहीं प्रोजेक्ट वाई इज लेस रिस्की, और एनपीवी में भी प्रोजेक्ट वाई ही आया, तो बात खत्म हो गई। जो कम रिस्की होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे यार, बात खत्म। जो ज्यादा रिस्की उसको क्यों सेलेक्ट करें। तो एनपीवी के हिसाब से भी प्रोजेक्ट वाई और सीवी के भी हिसाब से प्रोजेक्ट वाई। आगे विच मेजर इज मोर एप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एंड वाई, कौन सा मेजरमेंट ज्यादा अच्छा। हालांकि दोनों से आंसर एक ही आ रहा, फिर भी सीवी के हिसाब से ज्यादा अच्छा है या एनपीवी। एनपीवी तो पॉइंट नंबर थ्री तो टाइम पास था। एनपीवी डिसीजन इज बेटर देन सीवी, बस और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। उसने बोला कि कौन सा अच्छा है और क्यों। NPV is calculated taking risk adjusted discounting rate and risk is already incorporated in NPV। सर ये क्या बात है, मतलब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी जब तक आपको मैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट ना समझाऊं। पर फिर भी मैं आपको ऐसा बताता हूं, जब भी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें जितना रिस्क है उसके हिसाब से हम डिस्काउंटिंग रेट ले लेते। तो ऑलरेडी रिस्क कवर हो जाता है एनपीवी निकालते समय, अलग से रिस्क की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेरे लिए एनपीवी अच्छा। तो पॉइंट नंबर थ्री थ्योरेटिकल, पॉइंट नंबर वन और टू हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये किया हमने प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इस क्लास में। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 21 एक बार देखो। प्रोबेबिलिटी दिया, एनपीवी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 8 हो जाएगा इजी। कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 8 इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि कैश फ्लो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 20, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच खत्म हो तो अगली क्लास में पढ़ेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, बहुत कुछ पढ़ना, ठीक है जी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे पिछली क्लास में जो किया वो क्या किया था हम लोगों ने, पिछली क्लास में किया था प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। अब सेकेंड रिस्क एडजस्टेड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट अप्रोच। एक्चुअल में ये अप्रोच ही हम फॉलो करते हैं, हमको पता नहीं है। अब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। यह है हम, और हमने लोगों से पैसा उठा रखा है, और हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 15%। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं तो हमको 15% चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों ने अगर पैसा लगा रखा तो उन्हें मिनिमम 15% चाहिए। हालांकि वो रिस्क फ्री में बैंक बैंक में पैसा जमा करते ना, बॉन्ड्स वॉन्ड्स में, तो उनका आरएफ है 8%। इसका मतलब रिस्क फ्री जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया है उनको मालूम है कि हम उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो हमको 15% चाहिए क्योंकि रिस्क है। नहीं तो वो अगर उनको रिस्क नहीं लेना होता तो वो आरएफ पे पैसा लगाते, बैंक में पैसा जमा करते, कितना परसेंट मिलता? 8%। तो मुझे जो पैसा दिया है क्यों? क्योंकि रिस्क है, इसलिए मुझसे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं, कितना परसेंट? 7%। इसको क्या बोला जाता है? रिस्क प्रीमियम। यहां तक बात समझ में अच्छे से आ जा। रिस्क फ्री में भी पैसा जमा कर सकते थे लोग, कितना परसेंट मिलता? 8%। पर मुझे पैसा दिया है क्योंकि मुझसे वो कितना चाह रहा है? 15%। मतलब एक्स्ट्रा कितना चाह रहा है? 7%। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? रिस्क प्रीमियम। अब बेटे मैं क्या सोच रहा हूं, मैं इन पैसों को जो भी मुझे मिला किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं। अब समझते हैं ठीक से, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। सर ये क्या चीज है? बेटे ऐसा समझ लो, प्रोजेक्ट 1 में इकोनॉमी के बराबर रिस्क है, या फिर मैं बोलता हूं डबल रिस्क है। डबल इकोनॉमी के बराबर छोड़, डबल रिस्क है। सर डबल रिस्क का मतलब अगर मार्केट में कुछ होता है, इकोनॉमी में कुछ होता है, तो इस प्रोजेक्ट पे डबल इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क इंडेक्स। टू मतलब जो हमने सोचा था उससे डबल रिस्क है। तो रिस्क प्रीमियम कितना है? 7 अभी। तो यहां डबल रिस्क है तो बोलो मुझे कितना परसेंट मिलना चाहिए? डबल रिस्क प्रीमियम का डबल। सर यहां रिस्क इंडेक्स कितना है? यहां रिस्क इंडेक्स है 1
और यहां रिस्क इंडेक्स कितना है, और मैं आपसे बोल रहा हूं यहां 0.8। अब सवाल ये है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है। अगर मैं कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की, ये प्रोजेक्ट कम रिस्की है, तो क्या सभी को एक ही रेट से आप डिस्काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमने पढ़ रखा है जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होता है उससे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा चाहिए। हमको यहां से रिटर्न ज्यादा चाहिए, यहां से रिटर्न कम भी मिलेगा तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। इट मीन्स कि रिस्क को इनकॉर्पोरेट हम किस में करेंगे, हम डिस्काउंटिंग रेट में करेंगे, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। हम कहेंगे कि भैया जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा चाहिए। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल लेते हैं, तो पक्का सीएपीएम आपको याद होगा, आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम। आरएम माइनस आरएफ लेते थे, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूं, रिस्क प्रीमियम, क्योंकि यहां तो मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है, इनटू बीटा की जगह क्या बोल सकता हूं मैं, रिस्क इंडेक्स। अगर मुझे इसका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, रिस्क फ्री तो 8 है ही, और रिस्क प्रीमियम का कितना 7 पर डबल रिस्क है इंटू 2, तो 14 प्लस 8 22%, यहां 8 प्लस 7 इंटू 1 15%। सीएपीएम तो याद होगा आपको, इसका मतलब जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, और ये जो रेट निकलता है इसी को बोला जाता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और फिर हम उससे प्रोजेक्ट को डिस्काउंटिंग करते हैं, कैश फ्लो और एनपीवी निकालते हैं, जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या, लॉजिक कॉन्सेप्ट बस एक ही है कि अगर आपको एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है और एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में से ये डिसाइड करना कि कौन सा एक्सेप्ट करें, तो जो डिस्काउंटिंग करोगे वो डिस्काउंटिंग करोगे आपका प्रोजेक्ट कम रिस्की है कि ज्यादा रिस्की है। अगर मैं आपसे एक बात सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि यार मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, मैं कहता हूं मैं मुझे पैसे दो, मुझे ना अपना क्लासेस बड़े लेवल पे चलाना, तो क्या मुझे पैसे दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, क्योंकि मुझे, और मैं कहता हूँ उससे जो कमाई होगी मैं आपको रिटर्न करूंगा, तो आप मुझे पैसे दे सकते हो, मुझे मुझसे बोलोगे कि हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न मान लो 15%, मन से बोल रहा हूँ 15% रिटर्न चाहिए, मैं 15% देने को तैयार हूं। पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो पैसे मुझे दोगे उससे ना यार मैं उससे ना एक ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता हूं, ऐसी कोई दवाई बनाना चाहता हूं जिसको खाते ही याददाश्त बिल्कुल कभी ना भूल पाओ, तो क्या आप पैसे लगाओगे? सर नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए। बस मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा, कम रिस्क है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा, और हमको यह निकालना पड़ेगा। इसी का नाम क्या है, आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और फिर नॉर्मल एनपीवी निकालना। तो कुछ खास बात नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, बस रिस्क को देखते हुए आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट करना। इसमें भी लिख लेते हैं फॉलोइंग स्टेप्स, और अप्लाइड टू कैलकुलेट NPV in RDR approach. Calculate risk adjusted discounting rate. On the basis of risk. अब भाई ये रिस्क ना बीटा भी हो सकता है, बीटा मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स, या रिस्क इंडेक्स बोल रहा हूं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन बताएगा कि आपको किसको बेस लेना है। मैं सीएपीएम यूज कर रहा हूं, तो आरएडीआर का फॉर्मूला क्या होगा, आरएफ प्लस
risk premium into risk index. And step number two, calculate NPV. Taking expected cash flow and risk adjusted discounted. सर एक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है कि रिस्क है. रिस्क है तो भाई डिस्काउंटिंग रेट कौन सा होगा? रिस्क एडजस्टेड ही होगा. बात करता सर इस पे कोई एग्जांपल नहीं बेटी, सीधा क्वेश्चन उठा रहे हम लोग क्योंकि वही ज्यादा अच्छा है. क्योंकि वैसी एग्जांपल करवाऊंगा वैसी क्वेश्चन रहेगा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ले रहा हूँ. क्वेश्चन कौन सा दे? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 5. पढ़े. न्यू प्रोजेक्ट लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग थ्री प्रोजेक्ट्स P1, P2, P3. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. पहला प्रोजेक्ट में 15 लाख रुपया लगना है. हर साल 6 लाख आएगा. रिस्क इंडेक्स दे रखा 1.80. प्रोजेक्ट नंबर 2 है 11 लाख रुपया लगेगा, 6452 और रिस्क इंडेक्स है 1. ठीक है, रिस्क इंडेक्स मतलब बीटा. 19 लाख लगेगा, 4, 6, 8, 12 आएगा. रिस्क इंडेक्स है 0. मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%. एप्लीकेबल टैक्स रेट है 14%. CAPM में टैक्स इग्नोर. RF दिया 10% रिक्वायर्ड. RADR निकालना है, निकाल लेंगे. और विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट? सिंपल क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ RADR. RF plus risk index into ये risk premium पहले होना चाहिए. risk index अगर मैं बात करूं project हुआ है RF कितना भाई? RF 10, रिस्क प्रीमियम 15 माइनस 10 कितना गया 5. रिस्क इंडेक्स पहले प्रोजेक्ट का कितना 1.8. ऐसी किसकी बात करूं? प्रोजेक्ट 2, 10, 5, 1. प्रोजेक्ट 3, 10, 5, 0.60. तो ये जाएगा 5 × 1.8 + 10, 19%. ये तो 15% है. और ये कितना आ गया? 13%. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट 1 को डिस्काउंटिंग करेंगे 19% से ज्यादा रिस्क है, इसको 15% और इसमें तो कम रिस्क है इसलिए इसको 13%. ठीक है, अब क्या करना? एनपीवी निकलते. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. ये
PVCI माइनस PVCO। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन में हर साल 6-6 लाख रुपए इक्वल है, तो इक्वल कैश इनफ्लो तो पीवीएफ ले सकते सीधा। हाँ सर, 6 लाख इंटू पीवीएफ कितना परसेंट लेना है? 19%। कितने साल का प्रोजेक्ट हुआ? 4। जो आएगा उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 15 लाख। वन डिवाइडेड 1.19, 1, 2, 3, 4 तो ये आ गया 2.6386। तो 6 लाख इंटू 2.6386 माइनस 15 लाख, एनपीवी आ गया बेटे 83160। ऐसे किसका निकाल लेते हैं? प्रोजेक्ट टू। प्रोजेक्ट टू में प्रॉब्लम यह है कि हर साल का कैश इनफ्लो अलग अलग है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप समझदार हो। पहले साल 6 लाख, डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना भाई? 15%, 1.15 पावर 1। दूसरे साल कितना? 4 लाख, 1.15 पावर 2। तीसरे साल 5 लाख, 1.1215 पावर 3। फिर कितना है बेटे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4 माइनस कितना करोगे? 11 लाख। एनपीवी अच्छे छह लाख डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस 4 लाख, एम प्लस 5 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 एक, एम प्लस 4 लाख एक, दो एम प्लस 5 लाख एक, दो तीन एम प्लस। तो आंसर आया 167305। चल जाएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि हम फैक्टर ना लेकर ये ले रहे हैं। 167305। अब बात किसकी कर ले? प्रोजेक्ट थ्री। प्रोजेक्ट थ्री में डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना? 13% से। तो पहले साल कितना आया? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.13 पावर 1, 6 लाख, 1.13 पावर 2, 8 लाख, 1.13 पावर 3, 8 लाख के बाद 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.13 पावर 4 माइनस कितना करोगे? 19 लाख। एनपीवी निकल जाए 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.13 एक एम प्लस 6 लाख एक, दो एम प्लस 8 लाख एक, दो तीन एम प्लस 12 लाख एक, दो तीन चार एम प्लस एमआरसी माइनस 19। तो ये आ गया बेटे 214293। बताइए एनपीवी ज्यादा किस में आ रहा है? सर प्रोजेक्ट थ्री में एनपीवी ज्यादा है। यस, तो क्या करें? प्रोजेक्ट थ्री शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हाईएस्ट एनपीवी, तो लिख देते हैं प्रोजेक्ट थ्री शुड बी एक्सेप्टेड क्यों? ड्यू टू द हाईएस्ट। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का।
और एक क्वेश्चन बनाने जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, और वो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 5। हाँ बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 5 देखा, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। तीन प्रोजेक्ट दिख रहा है, ए बी सी। नेट कैश आउटले दिख रहा है 1,00,000 रुपया जा रहा, प्रोजेक्ट बी में 1,20,000 और प्रोजेक्ट सी में 2,10,000। सबकी लाइफ है 5 साल। एनुअल कैश इनफो दे रखा, एनुअल कैश इनफो मतलब सीएफएटी हर साल का, किसी का 30,000 है, किसी का 42,000, किसी का 70,000। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिख रहा 0.4, 0.8 और 1.2। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाम सुना है ना, रिस्क। बताओ कौन सा ज्यादा रिस्क है सर, सी। कौन सा कम रिस्क की है सर, ए। ठीक, द कंपनी सेलेक्ट द आरएडीआर ऑन द बेसिस ऑफ सीवी। इस बार सीएपीएम नहीं, बोले सीवी के हिसाब से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से हम आरएडीआर डिसाइड करेंगे। उसका टेबल नीचे दिया हुआ है, अब अच्छे से पढ़ना। उसने कहा सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर जीरो है तो ये ले लेंगे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है तो आरएडीआर लेंगे 12%। चेक करो सीवी किसी का 0.4 है क्या। हाँ सर, ए का है 0.4, तो हमें डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है 12%। और उसके सामने पीवीएएफ भी दे रखा 3.605, इसका मतलब समझ रहे हो। हाँ सर, एक बार ये तो बिल्कुल इजी हो गए, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते। प्रोजेक्ट ए का मैं कर रहा हूं, कितना है भाई हर साल का कैश इनफ्लो 30,000, उसके सामने सीवी है 0.4 मतलब 12% मतलब इनटू 3.605 माइनस क्या करोगे 1,00,000, तो आंसर आ गया 8,150। सिंपल बेटे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अच्छा प्रोजेक्ट बी का बताओ, सीवी कितना दिखाई दे रहा 0.8, तो 0.8 के सामने चेक करो नीचे टेबल में, 0.8 के सामने 14% डिस्काउंटिंग रेट लेना है, और 14% के सामने देखो पीवीएएफ दिया हुआ, करना क्या 42,000 कैश इनफ्लो है प्रोजेक्ट बी का। 42,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3.433 से और माइनस करोगे 1,20,000, तो आंसर आएगा 24156 लिखा हुआ वो मिसप्रिंट है, 24186 एक्चुअल में आंसर, 24186, रिपीट 24186। ठीक है सर, तो ये होमवर्क। होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 5। बस एक क्वेश्चन होमवर्क है, और अगर देखा जाए तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग। बस दो ही तरीके से देख लेना, किस किस तरीके से, या तो सीएपीएम वाला इक्वेशन बैठेगा या तो फिर वो बता देगा कि कौन कौन सा डिस्काउंटिंग रेट लेना। तीसरा कॉन्सेप्ट लिखोगे इसमें, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। थर्ड, हाँ जी बच्चों, अब सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं आपसे यार, हम ना किसी प्रोजेक्ट में आज पैसा लगा रहे हैं, ठीक है सर, और पैसा कब आएगा मैं कह रहा हूं यार, पहले साल आएगा, दूसरे साल आएगा, तीसरे साल आएगा। मान लो 3 साल का प्रोजेक्ट है, पहले साल आएगा 1,00,000,
फिर आएगा मुझे ऐसा लग रहा है 1,20,000, और फिर कितना आएगा, फिर मान लो 80,000 आएगा। सोच के बताना ये सर्टन है या रिस्की है, पक्का आएगा कि कम ज्यादा हो सकता, कम ज्यादा हो सकता, दिस इज एक्सपेक्टेड कि 1,00,000 भी आ सकता है, 20,000 भी आ सकता, 80,000 भी आ सकता, 50,000, ऐसा करके मैंने पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला, फिर दूसरे साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला, फिर तीसरे साल का एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, पक्का नहीं। इसलिए हम इसको डिस्काउंटिंग किससे करते हैं, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट से। पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार 1,00,000 पहले साल आएगा, ठीक है, पक्का, पता नहीं कम भी हो सकता ज्यादा भी हो सकता, मैं आपसे ये बोल रहा हूं ये पक्का पक्का बताओ कितना आएगा, क्या पॉसिबल है, पक्का पक्का पास्ट एक्सपीरियंस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे नहीं मालूम 1 साल बाद कितना आएगा, पर इतना तो है कि कन्फर्म कितना मिलेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आप सीए बन रहा है, पता नहीं 50,000 मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा, लेकिन यार 10,000 तो कमाओगे, हाँ सर वो तो पक्का है। बस मैं यही सुनना चाहता हूं, क्या हम बिजनेस करते हैं तो क्यों करते हो भाई, कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो श्योरिटी होगा, हाँ सर, हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन रिस्क कट ही जाता। मैं बोल रहा हूँ पक्का पक्का कितना आएगा, तो हाँ ये हम, मैं एक क्वेश्चन बताएगा आपको, टेंशन नहीं। तो अब मैं बता रहा हूँ पहले साल ना पक्का पक्का 80% तो मुझे मिलेगा, वैसे तो अनुमान है 1,00,000 का, पर 80% तो कहीं भी नहीं गया, 80% को मैं 0.8 बोल दूं, हाँ मतलब 80,000, 80,000 ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, पक्का पक्का। और सर सेकेंड ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है यार ये 70% मिलेगा मुझे, अच्छा, और यहां ऐसा है कि पूरा तो नहीं पर 60% मिलेगा, ठीक है, तो 1,20,000 इंटू 0.7 तो ये आ गए 84,000, और 80,000 इंटू 0.6 ये आ गया 48,000। अब सोच के बताना आराम से, क्या इसमें रिस्क थी, हाँ, दिस इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, क्या यहां आपने मल्टीप्लाई किया, हाँ, सीई से, सीई का मतलब होता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो कैश फ्लो आया, क्या रिस्क को मैंने काटने के बाद जो बचा वो निकाला, यस, इसको बोला जाता है रिस्क फ्री कैश फ्लो, या इसी को बोला जाता है सर्टेन कैश फ्लो, पक्का हमको इतना मिलेगा। सोच के बताओ इसमें रिस्क है, हाँ, इसलिए इसको डिस्काउंटिंग किससे किया था, आरएडीआर, इसमें रिस्क है, नहीं है सर, सोच के बताओ इसको डिस्काउंटिंग किससे करूंगा, रिस्क फ्री रेट, जहां रिस्क फ्री कैश फ्लो वहां रिस्क फ्री रेट। सर सारी बात समझ में आ रही है, अगर रिस्क है तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, अगर रिस्क घटा रहे हो तो रिस्क फ्री रेट, पर ये जो है ये सर ये कहां से आएगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, भाई क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप ज्यादा दिमाग मत चलाना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उठाएंगे आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो बस इसी का नाम हो गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, बस एक 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 सिंपल सी बात है, जरा सोच के बताना, मान लो कैश फ्लो, जैसे प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट बी में, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पहले साल का ले रहा हूं, इसमें 0.9 है, इसमें 0.8 है, सोच के बताना किसमें रिस्क कम है, फिर से, इसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना 0.9, इसमें 0.8, किसमें सर्टेनिटी ज्यादा है, सर प्रोजेक्ट ए में सर्टेनिटी ज्यादा है, किसमें रिस्क ज्यादा है, सर इसमें, जिसमें सर्टेनिटी कम, उसमें जिसमें सर्टेनिटी कम उसमें रिस्क ज्यादा, हाँ बिल्कुल, ओके तैयार हो, तैयार हो, मैं फिर से बोलूं, किसमें सर्टेनिटी कम है प्रोजेक्ट बी में, किसमें रिस्क ज्यादा है प्रोजेक्ट बी में, अगर भगवान ना करे मुझे आरएडीआर यूज करना होता रिस्क, तो किसमें आरएडीआर ज्यादा रेट लेता, सर जिसमें रिस्क ज्यादा है मतलब प्रोजेक्ट बी में, कभी पूछ सकता है, खैर अब मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा तभी बात करूंगा, पहले स्टेप्स लिख ले क्या क्या काम करना पड़ेगा, यस तो लिख लेते हैं,
फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट स्टेप नंबर वन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैश फ्लो दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा एक्सपेक्टेड वैसे 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 एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल के दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे स्टेप नंबर कैलकुलेट रिस्क फ्री कैश फ्लोस आर सर्टेन कैश फ्लोस और रिस्क फ्री कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड लास्ट स्टेप स्टेप नंबर कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग रिस्क फ्री कैश फ्लोस एंड रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट इस पर भी कोई एग्जांपल नहीं सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं लोग सिंपल सिंपल टॉपिक है ज्यादा मुश्किल है नहीं है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे जाइए पेज नंबर 4 नहीं क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लिया अभी क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 4 चलो जी पढ़े द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई विच रिक्वायर कैश आउटले 340,000 एंड 330,000 रिस्पेक्टिवली मतलब प्रोजेक्ट एक्स में पैसा लगाओगे तो 340,000 जाएगा और प्रोजेक्ट वाई में पैसा लगाओगे तो 330,000 जाएगा। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच इज यूज्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बताएगा क्वेश्चन कि आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच यूज करना है तो करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 8% गवर्नमेंट बॉन्ड समझ रहे हो रिस्क फ्री एंड दिस बी यूज एज द रिस्क लेस रेट बता भी दिया रिस्क फ्री रेट 8% लेना एक्सपेक्टेड निकाल कर दे दिया एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड देयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आर एस फॉलोस प्रोजेक्ट एक्स 1, 2, 3 कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया 180 2 लाख 2 लाख उसको मल्टीप्लाई करेंगे सीई से तो आएगा सर्टेन कैश फ्लो उसको डिस्काउंटिंग करेंगे रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट से आंसर आ जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट बी में दे रखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 8% के हिसाब से फैक्टर दिया हुआ जो फैक्टर दिया वो यूज करना पड़ेगा बोल रहा विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड ठीक है
If risk-adjusted discounting rate method is used, which project would be analyzed with the higher rate? अगर RADR यूज करना होता तो किस प्रोजेक्ट को आप हायर रेट से डिस्काउंटिंग करते, जिसका सी कम होगा, जिसमें सर्टेनिटी कम होगा, उसमें रिस्क ज्यादा हो, मतलब प्रोजेक्ट एक्स दिख रहा है वैसे तो, पर लिख पा दूंगा। चलो काम कर रहा है जी। कैलकुलेशन ऑफ, देखते कॉलम कैसे बनेंगे, आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैं एक साथ कर रहा हूं, उतना टाइम नहीं है। सुनो भाई, पहला तो हो गया आपका ई, ओके ठीक है सर, और एक तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, देखते कितने कॉलम में हो जाए, यहां से लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं प्रोजेक्ट एक्स, तो इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट एक्स और इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट वाई। अब पहला जो कॉलम होगा वो किसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ओके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई किससे होगा, सो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट सीई, ठीक है जी। तो फिर जो आएगा वो कौन सा आएगा, रिस्क फ्री कैश फ्लो, और फिर आ जाएगा यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब चार कॉलम आ जाएगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आप अच्छे से लिख लेना इसको, उसके बाद सर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, उसके बाद रिस्क फ्री कैश फ्लो एंड लास्ट प्रेजेंट वैल्यू, बस तो सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, जीरो वन, 8% लेना है, इसमें तो कॉस्ट, एक काम करते हैं ना, सुनो 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 सुनो, कॉस्ट ऑफ मशीन नीचे से माइनस कर देंगे सीधा, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है सर, चल जाए। तो अब सीधा सीधा कैश फ्लो लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा, सी एफ ए टी, वन टू थ्री, फैक्टर चेक कर लो, 0.926, 0.857, 0.794, 1,80,000, 2,00,000, 2,00,000, 1,80,000, 2,00,000, 2,00,000, इधर 1,80,000, 1,80,000, 2,00,000, 1,80,000, 1,80,000 और 2,00,000। सर्टेनिटी कितनी है, 0.8, 0.7, 0.5, यहां कितना, 0.9, 0.8 and 0.7, तो 1,80,000 into 0.8, 1,44,000, 2,00,000 into 0.7, 1,40,000 आना चाहिए, 1,40,000, और ये तो 1,00,000 ही आएगा,
1,44,000 × 0.926, 1,333,44, 1,40,000 × 0.857, 9,980, 1,00,000 × 0.794, 79,400. अब इसका देख लेते, 1,80,000 × 0.9, 1,60,000, 1,80,000 × 0.8, 1,44,000, और 2,00,000 × 0.7, 1,42,000, 1,62,000 × 0.926, 1,500,000 × 1,44,000 × 0.857, 1,23,408, 1,40,000 × 0.794, 1,11,160, ठीक है यहां तक। अब क्या करना है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, पीवीसी यही आ जाएगा, ठीक है। 1,333,44 + 1,19,980 + 79,400, ये आ गया 3,32,724, 1,500,012 + 1,23,408 + 1,11,160, यहाँ के 384,580, दिस इज पीवीसीआई। इसमें से माइनस कर देते हैं पीवीसीओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ये कितने में खरीद रहे हो भाई, 3,40,000, और दूसरा वाला कितने में, 3,30,000। तो अब एनपीवी आ जाएगा, सीधा बात खत्म। −3,40,000, 7,276 नेगेटिव आ गया, और 384,580 − 3,30,000, 54,580 पॉजिटिव। बताओ कौन सा एक्सेप्ट करोगे प्रोजेक्ट, वाई, क्यों, एनपीवी ज्यादा, प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड, क्यों बेटे, क्योंकि ड्यू टू हायर एनपीवी। तो ये था पहला पॉइंट कि पूछा था कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे, पहला मतलब पॉइंट नंबर ए, इसको मैं ए लिख देता हूं। अब बी है थ्योरेटिकल, अब सुनना ध्यान से, लास्ट पॉइंट, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड यूज Which project would be analyzed with a higher rate? वो ये नहीं पूछ रहा कि रेट कौन सा लेंगे, वो पूछ रहा किस प्रोजेक्ट को हायर रेट से आप एनालाइज करोगे। सुना ध्यान से, पूरा फोकस इस पे करो, सर्टेनिटी रेट, या बता सकते हो सर्टेनिटी किस में कम दिखाई दे रहा, इसमें। एक बात और समझो, मैं आज यहां हूं, एक साल, दो साल, तीन साल, तो जो आने वाला है ना साल, उसमें सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है कि यार हमको मालूम है इतना आएगा, पर मैं दो साल बाद का बहुत मुश्किल से देख पाऊंगा कि दो साल बाद क्या होना, तीन साल बाद तो और भी सर्टेनिटी कम हो जाती है। मतलब जो ईयर पास में रहता है उसमें सर्टेनिटी ज्यादा रहती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है। चाहे प्रोजेक्ट वाई का देख लो, सर्टेनिटी कब ज्यादा, फर्स्ट ईयर में, फिर कम, फिर कम। मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड, मुझे कंपैरिजन करना एक्स और वाई, सोच के बताना सर्टेनिटी कम किस में, एक्स में।
सॉरी ये कम ज्यादा हुआ तो बट एवरेज कर लेना, इसका एवरेज इस सिंपल एवरेज डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, जिसमें सर्टेनिटी कम वो ज्यादा रिस्की, और जो ज्यादा रिस्की अगर मैं आरएडीआर यूज करता तो उसमें रिस्क ज्यादा है तो मैं डिस्काउंटिंग रेट भी ज्यादा यूज करता। ठीक है, ये बात मुझे लिखाना है और कुछ है नहीं। पॉइंट नंबर बी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इन प्रोजेक्ट एक्स इज लेस देन प्रोजेक्ट वाई, हेंस प्रोजेक्ट एक्स एस लो सर्टेनिटी एंड हायर रिस्क इफ we use RADR, then project X shall be discounted at higher rate. तो ये था कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 22 एंड 39, एक बार चेक कर लेता हूं कर भी पाओगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आराम से कर लोगे, कुछ है ही नहीं। तो होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 9 पे, एक बार 39 भी चेक कर लो। 39 भी बहुत आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 15, ये भी क्वेश्चन होमवर्क, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास खत्म, अगली क्लास से जो स्टार्ट करेंगे इसमें हमें कितने पॉइंट करना था, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में 5, 5 में से कितना कर लिया 3, कौन कौन सा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, फिर कौन सा किया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, फिर कौन सा किया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। अगली क्लास में डिसीजन ट्री होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर हिलर मॉडल, तो ये भी खत्म हो जाएगा हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हाँ बच्चों कैसे हो, तो कैपिटल बस्टिंग में क्या चल रहा है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें पहला पॉइंट किया किस नाम से, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। दूसरा पॉइंट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। थर्ड जो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, थर्ड कर रहा है सर हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कर चुके हैं, अब लास्ट उसके बाद हिलर मॉडल है तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे कैपिटल वेस्टिंग के लास्ट, डिसीजन ट्री पहले कर रहे। ठीक है, डिसीजन पॉइंट नंबर कौन सा होगा आपका सर, डिसीजन ट्री क्या चीज है। पहली बात तो आपने जब मैंने डेरिवेटिव करवाया था तो एक बाइनोमियल ट्री बनाया था, ठीक है, उसी की तरह होता है सर, वो भी याद नहीं है कोई बात नहीं। ऑपरेशनल रिसर्च होता है क्यूटी या ओआर करके, क्यूटी ना बोल दो या ओआर, कॉस्ट के साथ होता है, उसमें पर्ट सीपीएम है, उसमें भी डिसीजन ट्री बनाना होता है। खैर वो तो आपने किया नहीं होगा क्योंकि वो ग्रुप टू में। अब समझाना कैसे, तो एक काम ही, एक ही तरीका, इसमें कुछ भी लिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन उठा रहा हूं,
उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डिसीजन ट्री से क्या हेल्प होगा। कुछ भी लिखने की बात नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आएगा जो मैं लिखवाऊंगा। ये लिखवाऊंगा कि जो आने वाला आउटकम है वो प्रीवियस आउटकम पर डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा सा डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट, वो बात समझ में नहीं आएगी बिना क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर उठा रहे हम सीधा क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 6 पढ़ते हैं। लिखा है अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ रुपीज 40,000। आज हमारी जीप से 40,000 जाएगा। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विथ नो सैलरीज। चलो अच्छा इजी क्वेश्चन है, 2 ही साल लाइफ है, सैलरीज वैल्यू नहीं है। इन ईयर 1 देयर इज अ 0.4 प्रोबेबिलिटी दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 25,000 एंड 0.6 प्रोबेबिलिटी दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 30,000। तो भैया 40,000 आज लगाएगी, पहले साल में 2 ही साल लाइफ है, फर्स्ट ईयर में या तो 25,000 आ सकता, 25,000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4, या तो 30,000 आ सकता और 30,000 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी असाइन टू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द सेकंड ईयर आर एस फॉलोस। एक्चुअली ना वो ऐसा टेबल बना हुआ है, बोला सेकंड ईयर का कैश फ्लो कितना आएगा, वो डिपेंड करता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में लिखा कैश इनफ्लो ईयर 1 25,000, अगर ईयर 1 में आएगा 25,000 तो ईयर 2 में आएगा 12,000 16,000 और 22,000 और प्रोबेबिलिटी दे रखा। इसका मतलब हमें पहले ही साल अंदाजा हो जाएगा, अगर पहले साल कम आएगा तो आगे भी कम ही आएगा, हमारा प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं चलेगा, पर अगर पहले साल ज्यादा आएगा तो आने वाले साल में भी ज्यादा ही आएगा। ये कहना है, इसका मतलब सेकंड ईयर का कैश फ्लो किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो। ठीक, डिस्काउंटिंग रेट लेना 10% फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट, ये ए बी सी डी है उसको ए कर लोगे। कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाना है, तो मेरे साथ साथ बनाना। पॉइंट नंबर ए कर रहे हैं, चलो कैसा होगा, कितना लगेगा आज सब 40,000, कितनी पॉसिबिलिटी है दो फर्स्ट ईयर सी एफ ए टी ईयर कितना कितना आ सकता है, या तो आ सकता है 25,000 या 30,000। 25,000 आने की क्या प्रोबेबिलिटी 0.4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। अगर पहले साल कम आएगा तो आने वाले साल में भी कमी आएगा, मतलब सेकंड ईयर का कैश फ्लो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ईयर पे डिपेंडेंट। अच्छा सर, ये आएगा ईयर 2 और क्या लिख लेते हैं सीएफ। अगर 25,000 फर्स्ट ईयर में आ रहा तो सेकंड ईयर में या तो 12,000 आ सकता है या तो 16,000 आ सकता है या तो 22,000 आ सकता है। सर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 and 0.5, और सर इधर कितना कितना आ सकता है, या तो 20,000 आ सकता है
या तो 25,000 आ सकता है या तो 30,000 आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.5 एंड 0.1। तो पहले पॉइंट में यही पूछा है, इसी को क्या बोला जाता है, डिसीजन ट्री, इसी का नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है सर, डिसीजन ट्री का मतलब होता है कि सेकेंड ईयर का आउटकम, ये आउटकम है, आउटकम किस पे डिपेंड होता है, फर्स्ट ईयर के आउटकम। अगर फर्स्ट ईयर कम आता है तो सेकेंड ईयर भी कम ही आएगा, पक्का यार बिजनेस चलेगा ही। अगर फर्स्ट ईयर ज्यादा आता तो नो डाउट बिजनेस आपका अच्छा चल गया, सेकेंड ईयर में भी ज्यादा आएगा। हाँ, डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो मैं बाद में बात करूंगा, इसका नाम है डिसीजन ट्री। बात करते, ये था पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, व्हाट एनपीवी विल बी, विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी, व्हाट विल बी द बेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अकरेंस। पॉइंट नंबर सी, सुनो ध्यान से, सिर्फ आउटकम आउटकम्स की बात करना, सबसे अच्छा और सबसे खराब, सबसे खराब एनपीवी कब आएगा, प्रोबेबिलिटी को इग्नोर, सबसे खराब आउटकम कौन सा सर, पहले साल 25,000 आ रहा फिर 12,000, ये सबसे खराब, सबसे अच्छा मजा जाए सर, सबसे अच्छा पहले साल 30,000 आ और सेकेंड ईयर भी 30,000 है, सबसे अच्छा। तो वो बोल रहा है सबसे खराब आउटकम, ये सब आउटकम्स, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि इसके लिए सबसे खराब सबसे अच्छा, हाँ पूरे प्रोजेक्ट में सबसे खराब एनपीवी कब आ सकते हैं, सबसे खराब आउटकम्स कौन सा है, फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में 12,000, प्रोबेबिलिटी। सबसे अच्छा आउटकम कौन सा, 30,000 फर्स्ट ईयर में 30,000। तो वही पूछा, पॉइंट नंबर बी और सी पढ़ोगे ध्यान से, पॉइंट नंबर बी में बोला है व्हाट एनपीवी विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ, अंडरलाइन करोगे, वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, वर्स्ट आउटकम, और बताना है प्रोबेबिलिटी इस एनपीवी आने की, तो आपको एनपीवी निकालना है सबसे खराब। पॉइंट नंबर सी में बोला व्हाट विल बी द बेस्ट, सबसे अच्छा, और इसकी एनपीवी की प्रोबेबिलिटी, तो एनपीवी निकालना है। तो पॉइंट नंबर बी यहां करें, इफ वर्स्ट आउटकम आर रियलाइज्ड, एनपीवी निकल। पीवीसीआई पहले साल कितना आएगा, 25,000, फैक्टर दिया है तो ठीक है, और शायद दिया हुआ है इस क्वेश्चन फैक्ट, कितना दिया है जी फैक्टर, 0.90 है, 10% के साथ। सेकेंड ईयर में कितना आएगा, 12,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000, तो 25,000 इंटू 0.909 एम प्लस 12,000 इंटू 0.826 एम प्लस एमआरसी माइनस 40, नेगेटिव एम 7363। अच्छा, दूसरा पूछा बताओ नेगेटिव एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, सोच के बताना आराम से। 0.4 नहीं बेटे, ये और ये उठाया आप, ये और ये, आंसर कितना आएगा बताओ, ये एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, कितने परसेंट चांस है कि इतना एनपीवी आ सकता, वर्स्ट आउटकम। सर हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, बेटे एक सीधी बात पूछ रहा हूं, चलो आपके पास होने के चांसेस निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुना, आपके पास होने के चांसेस, अच्छा सर चलो निकालते हैं, आप पास होगे या फेल डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, पेपर इजी भी आ सकता, तब आप पास तभी होगे जब पेपर इजी आएगा, मैं ऐसा मान रहा हूं, बाकी ऐसा है नहीं। अच्छा
तो पेपर इजी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पेपर इजी आने की प्रोबेबिलिटी है 50%, 0.5, ठीक है? तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 50%। लेकिन सुनो सुनो, और एक बात है, पेपर इजी आ गया तो भी जरूरी नहीं है आप पास हो जाओगे। डिपेंड करता है कि पेपर इजी चेक होगा कि टफ। अगर टफ चेक होगा तो आप पास नहीं। पेपर इजी चेक होगा, चेक इजी होना चाहिए, तब आप पास होगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। सोच के बताओ, तो भगवान से किस चीज का प्रार्थना करोगे? दो चीज भगवान, एक तो पेपर इजी आना चाहिए 50%, और चेक भी होना चाहिए 50%। तो बेटे बताओ, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 25% लग रहा है ना? पहले 50 और 50 में 50, समझ गए हो आप? हालांकि पढ़ा हुआ, मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां बताओ, ये एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो डिपेंड करता है 0.4, 25,000, फिर 12,000 की 0.2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी 0.4 into 0.2 is equal to 0.08। परसेंटेज में लिखने का दिल है तो आप 8% लिख सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, इफ बेस्ट आउटकम्स आर रियलाइज्ड, निकाल सकते हैं सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है? सर 30-30 एनपीवी निकाल, 30,000 इंटू 0.909 प्लस 30,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 एनपीवी निकाल लेते। और 12050 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट दैट इज 6%। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी सीधा सीधा, वो बोलेगा बेस्ट तो आपको इस तरह से निकालना, वो बोलेगा वर्स्ट तो आपको इस तरह से निकालना। लास्ट पॉइंट, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड एनपीवी। अगर आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। तो सर एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालेंगे? तो याद करो, आपने निकाला हुआ है, बहुत सारा एनपीवी दिया रहता था अलग अलग सिनारियों पे, और फिर आप उस एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल जाता था। हाँ हाँ सर, तो इस बार भी हम एनपीवी निकालेंगे, पहला एनपीवी, दूसरा एनपीवी। सर पहला इस 25,000 और 12,000 को लेके एनपीवी निकालेंगे, और ये एनपीवी आएगा इतना और इसकी प्रोबेबिलिटी है इतनी, फिर इस तरह से एनपीवी निकलेगा, फिर इस तरह से एनपीवी निकलेगा, फिर इस तरह से टोटल मिलाकर 6 एनपीवी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी होगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो पॉजिटिव रहा तो एक्सेप्ट करें। सर ऐसे में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, मेरे पास शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा, पर पहले नॉर्मल हम कैसा करते वैसा मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? तो टोटल कितना एनपीवी निकालना पड़ेगा, कितने सिनारियो दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशन में हमको एनपीवी निकालना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रोबेबिलिटी से। पॉइंट नंबर डी कर रहे हैं,
कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव एंड सिक्स। हालांकि पहला तो निकाल चुके पर फिर भी लिख देता हूं फॉर्मेट ही पूरी करते हैं। 25,000 इंटू 0.909 प्लस 12,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 कितना आया था ये 7363 माइनस। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4 इंटू 0.2 तो यहां कितना आएगा 0.08। तो यही मल्टीप्लाई करते हुए चलते 7363 इंटू 0.08 589.04 ठीक है उसको राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट दूसरा सिनारियो क्या बन सकता है 25,000 इंटू 0.909 प्लस ये कितना था यार ये 12,000 का ये 16,000 था शायद 16,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 ये भी नेगेटिव 4059। प्रोबेबिलिटी कितनी 0.4 इंटू 0.3 0.1 4059 इंटू 0.12 तो ये नेगेटिव आ गया 487। राउंड ऑफ कर रहा हूं बेटा ठीक है। ठीक है सर 25 और 22 25,000 इंटू 0.909 प्लस 22,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 25,000 इंटू 0.909 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.4 इंटू 0.5 0.20 इंटू 897 179 पॉजिटिव। ठीक है सर आगे चले अब की बार 30 और ये कितना 20 30,000 इंटू 0.909 प्लस 20,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 माइनस 40,000 तो ये 3790 और ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 30 और 20 मतलब 0.6 इंटू 0.4 तो 3790 इंटू 0.24 909 तो 910 ले लेता। पांचवा कंडीशन 30,000 इंटू 0.909 प्लस 25,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 लास्ट वाला भी लिख ही लेता हूँ फिर सोचेंगे क्या 30,000 ये तो अपना निकला हुआ ये निकला हुआ 12050 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकला था 0.06 इसका भी निकाल लेते हैं 30,000 इनटू 0.909 एंड 25,000 इनटू 0.826 माइनस 40,000 7095 94 और सर इसका प्रोबेबिलिटी 0.6 इनटू 0.5 0.3 इनटू 7094 21 28 और 12050 इंटू 0.06
723। बस इसको जोड़ लिया तो एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गया 579 + 9 = 1020 + 2128 + 723 - 487 - 589 7363 × 0.08 589 ये माइनस में है माइनस 487 प्लस 179 प्लस 910 प्लस 2128 प्लस 723। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, बस इसलिए गड़बड़ा रहा था। 30,000 × 0.909 m + 25,000 × 0.826 m + MRC - 40,000 तो यहाँ बेटे 7920 आएगा 7920 × 0.3 यहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ आएगा 2376। अब आ जाएगा 589 माइनस में माइनस 487 प्लस 179 प्लस 910 प्लस 2376 एंड प्लस 723 आंसर आ गया 3112। दिस इज एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो डिसीजन क्या आएगा? डिसीजन बड़ा सिंपल है, सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। बस सर सारी चीजें समझ में आती, बस एक बात बताऊं, इन सबका कोई शॉर्टकट है क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी? हाँ बेटे शॉर्टकट है, वो भी नोट कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अल्टरनेटिव में आपको ये 3112 निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो मेथड ऐसा होगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेते ईयर वन का, 25,000 × 0.4 = 30,000 × 0.6 ये आ जाएगा सीधा। काम करें 25,000 × 0.4 और 30,000 × 0.6 तो ये आ गया बेटे 28,000 एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल रहा हूं। ऐसे ही कब का निकाल लेते ईयर टू का, कितना इतना सारा बताओ बेटे 12,000 कैश फ्लो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? सर 0.2 नहीं बेटे 0.2 × 0.4 0.08। अच्छा सर 16,000 आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3 × 0.1 + 22,000 कैश फ्लो आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 × 0.20 + 20,000 की प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.6, 0.24 + 25,000 कैश फ्लो आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.5 × 0.6 = 0.30 एंड लास्ट 30,000 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.06। अब निकलेगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कौन सी ईयर का? सेकंड ईयर। 12,000 × 0.8 = 0.08 + 16,000 × 0.12
तो सेकेंड ईयर का कैश फ्लो गया 21380। अब एनपीवी निकाल लीजिए, पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 28,000 इनटू करोगे 0.909, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो 21380 मल्टीप्लाई किससे करोगे 0.826, माइनस किससे कर दोगे 40,000। आंसर आ जाएगा 3112, वही आया जो हमने निकाला था अलग अलग में। बस मुझे पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना है, सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना और आंसर निकाल देना, सिंपल। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह है कि डिसीजन ट्री के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और उतने बड़े क्वेश्चन आजकल आते नहीं है। ये छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको आप करोगे डिसीजन ट्री। सर और एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और उठा रहा हूं मैं, अच्छा सा क्वेश्चन उठा रहा है, प्रैक्टिस मैनुअल वाला, ये भी प्रैक्टिस मैनुअल का ही था। हल क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 17, हाँ जी क्वेश्चन बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 70। क्लियर पढ़ते लिखा है, यू ऑन एन अनयूज्ड गोल्ड माइन। तो सुनो, आपके पास माइंस है, गोल्ड माइन, गोल्ड निकलेगा उसमें से, आप ही के पास है तो उसको खरीदना नहीं है। यू ऑन एन अनयूज्ड गोल्ड माइन दैट विल कॉस्ट ₹10 लाख टू रीओपन। उसको आप रीओपन करना चाहते हो तो रीओपन फ्री में नहीं होगा, ₹10 लाख का खर्चा है। इफ यू ओपन द माइन यू एक्सपेक्ट टू एबल टू एक्सट्रैक्ट 1000 ounces ऑफ गोल्ड अ ईयर। क्वांटिटी होती ऑन्स गोल्ड को, तो बोले अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट ओपन कर लेते हो तो हर साल गोल्ड निकलेगा, और कितना एक्सट्रैक्ट कर पाओगी गोल्ड, 1000 ounces पर ईयर, हर साल 1000 ounces। कितने साल तक एक्सट्रैक्ट करोगे, 3 साल तक। आफ्टर दैट द डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड, डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। मतलब भाई ओपन करो आज, ₹10 लाख खर्च आएगा, 3 साल तक गोल्ड निकलेगा, कितना आउंस, 1000 ounces, ठीक है, और 3 साल बाद खत्म। द गोल्ड प्राइस इज करेंटली 5000 ounces, अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो ₹5000 एक यूनिट का चल रहा है, एक ounce का चल रहा है। एंड ईच ईयर द प्राइस इज इक्वली लाइकली टू राइज और फॉल बाय 500। अभी 5000 चल रहा है, एक साल बाद 500 बढ़ भी सकता है, 500 कम भी हो सकता है, इक्वली 50-50%। फिर उसके अगले साल 500 बढ़ भी सकता, 500 कम भी हो सकता। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, ठीक है, द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट 4600, 4600 खर्चा है एक्सट्रैक्ट करने का, 10 लाख ओपन करने का है, एक साथ ही लगेगा, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, उसके अलावा ₹5000 तो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है 4600, और डिस्काउंटिंग रेट है 10%। और बोले एक्सट्रैक्शन कॉस्ट 4600 ही रहेगा, चाहे पहला साल चाहे दूसरे साल चाहे तीसरे साल। Required, should you open the mine now or delay 1 year in the hope of a rise in the gold price? Important है, ये बोल रहा है कि यार एक काम करो, अभी ओपन कर लो, कितने का खर्चा आएगा, 10 लाख, 3 साल तक हम गोल्ड निकालते रहे, या तो फिर अभी रुक जाओ, एक साल इंतजार करो, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ओपन करना, नहीं तो मत करना। डिसीजन कब लेना, आज ही लेना, और क्या लेना, आज ओपन कर लेना चाहिए कि एक साल बाद ओपन करना चाहिए, ये सोच के कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक टू योर डिसीजन इफ यू कुड कॉस्टलेसली बट इरिवर्सिबिलिटी शट डाउन द माइन एट एनी स्टेज, शो द वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन।
ये बी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना दोनों को मिक्स करके करवाऊंगा। पॉइंट नंबर बी बोल क्या रहा है वो तो बाद में समझ में आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम पहले डिसीजन ट्री करें, धीरे धीरे काम करें। ओपन माइंड, चलो आज ही ओपन कर लेते हैं। अगर आज ओपन करते तो बताओ बेटे गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है? सर गोल्ड का प्राइस चल रहा है अभी 500 रुपये। मैं डिसीजन ट्री गोल्ड प्राइस पे बनाऊंगा क्योंकि वही बढ़ेगा कम होगा, ठीक है। अभी आने वाले एक साल में गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है? सर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कितना हो सकता है? 500 रुपये। इसका मतलब 5500 भी हो सकता है या 4500। कब की बात है ये? फर्स्ट ईयर की। क्या प्रोबेबिलिटी 5500 की? 0.5 इक्वली बोला है। उसके एक साल बाद या तो इससे 500 या तो इससे 500। इसका मतलब ये हुआ सेकेंड ईयर में गोल्ड का प्राइस 5500 से 500 बढ़ा देते 6000 भी हो सकता है। कब की बात है ये? सेकेंड ईयर। या तो 5000 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बोलो 0.5। या तो क्या हो सकता है? 5000 भी हो सकता है या 4000। उसके अगले साल 3 ही साल तक चलेगा, या तो 6500 भी हो सकता है थर्ड ईयर, कम करना, या तो 5500। प्रोबेबिलिटी 0.5। अगर 5000 होता है तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, या तो 5500 हो सकता है, या तो 4500 हो सकता है। अगर 5000 हुआ तो फिर दो सिचुएशन, या तो 5500 हो सकता है, या तो 4500। या तो 4500 हो सकता है, या तो 30। चलो जी, और हमको क्या निकालना? एनपीवी। आज कितना खर्चा आएगा? ये आज 0। आज खर्चा आएगा 10 लाख इनिशियल। सर अब क्या करना? कुछ नहीं करना बेटे, अब हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट ईयर का गोल्ड का प्राइस, सेकंड ईयर का गोल्ड का प्राइस, थर्ड ईयर का गोल्ड का प्राइस निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तैयार हूं? यस। ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री। गोल्ड प्राइस फर्स्ट ईयर का निकल सकता है क्या? हाँ सर निकल सकता है, तो थोड़ा दूर दूर लिख लेते, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यस। ईयर टू और यहां लिख देता हूँ ईयर थ्री। कैसे निकलेगा? 5500 इंटू 0.5 प्लस 4500 इंटू 0.5। सर जब
50-50% प्रोबेबिलिटी तो आप ऐसा भी तो कर सकते, 5500 + 4500 × 0.5, बात खत्म करो, बात समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 5500 + 4500 × 0.5, क्योंकि इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी, तो दोनों को 0.5 से ही मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म कर। तो आ गया 5000 गोल्ड का प्राइस, गोल्ड प्राइस, एक्सपेक्टेड गोल्ड प्राइस ₹5000। अब सेकंड ईयर का इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, सेकंड ईयर 6000 इंटू क्या होगा 0.25, 5000 इंटू 0.25 कहां से आ रहा, 0.5 × 0.5, 0.5 × 0.5, 0.5 × 0.5 एंड 0.5, तो एक साथ ही ऐसा कर सकते हैं ना 0.25। हाँ सर, बात समझ में आती है, 0.5 × 0.5, तो क्या मैं सीधा 0.25 लिख सकता हूं या 0.5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बात एक ही। सर 0.25 लिख दीजिए, प्रैक्टिस वालों ने 0.5 का स्क्वायर कर रखा, मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूं 0.25। इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, 6000 + 5000 + 5000 + 4000, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.25 से, और 6000 + 5000 + 5000 + 4000 × 0.5, तो यहां भी गोल्ड का प्राइस आ गया ₹5000। अगला क्या होना, आप समझदार हो, 6500 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 × 0.5 × 0.5, 0.125, ये आने की प्रोबेबिलिटी 0.125, ये आने की प्रोबेबिलिटी 0.125, ये आने की प्रोबेबिलिटी 0.125, मतलब सर सबको 0.125 से मल्टीप्लाई करना, यस लिख दूं, यहां पहली बार लिख देता हूं, आगे से मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, 6500 + 5500 + 5500 + 4500, और भी है यहां तक हो गया, यहां तक 5500 + 4500 + 4500 + 3500, और ये सब मल्टीप्लाई किससे होगा 0.125, 6500 + 5500 + 5500 + 4500 + 4500 + 4500 + 3500 + 3500 + 3500 + 3500 + 3500, ये भी गोल्ड का एक्सपेक्टेड प्राइस कितना आ गया ₹5000। ठीक है, माइनस क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट पर ऑन्स, ₹4600 और ₹4600। तो अब क्या आ गया, कैश इनफ्लो, टैक्स है नहीं, तो यही CFAT हो जाएगा मेरा, कितना बिट्टे 400 एक ऑन्स इंटू, तो कितना ऑन्स 1000 1000 1000। अब जो आएगा वो क्या आ गया, CFAT, पहले साल का CFAT 4 लाख, दूसरे साल का CFAT 4 लाख, और तीसरे साल का CFAT 4 लाख। एक्सपेक्टेड CFAT, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, तो क्या अब NPV निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं यहां निकाल रहा हूं NPV, चार लाख इंटू, हर साल का 4-4 लाख, 1 / 1.10, 10% ही ना डिस्काउंट, यस 1, 2, 3 जी, 2.4868, पैसा कितना जा रहा है, माइनस
चार लाख इंटू पॉइंट, चार लाख इंटू टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट माइनस 10 लाख, एनपीवी नेगेटिव आ गया 5280. सिंस एनपीवी इज नेगेटिव माइन शुड नॉट ओपन टुडे, आज ओपन नहीं करना चाहिए, बात करें तो बेटे ये एनपीवी नेगेटिव है तो हम ओपन नहीं करेंगे माइन, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अगर मैं कहूं पहला वाला पार्ट है पॉइंट नंबर वन, तो अगर बात खत्म हो चुकी है, इसके बाद क्या करना, ओपन माइन आफ्टर वन ईयर फिर एनपीवी निकालना। लेकिन सुनो, पॉइंट नंबर टू की वजह से मैं अभी कुछ काम करवाने वाला, पॉइंट नंबर बी की वजह से सुनना ध्यान से। पॉइंट नंबर ए मैं पार्ट पार्ट में कर रहा हूं, शुड यू ओपन द माइन नाउ, यहां तक खत्म हो गया, डिले वन ईयर वाला अभी नहीं कर रहा। फिर लिखा है व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक टू योर डिसीजन इफ यू कुड कॉस्टलेसली शट डाउन द माइन एट एनी स्टेज, शो द वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। सुनना ध्यान से, एक बात बताओ, आपने माइन ओपन कर लिया, किया, अब गोल्ड का प्राइस 5500 भी हो सकता, 4500 भी हो सकता। अगर 5500 होता है तो क्या हमें काम यही बंद कर देना चाहिए? नहीं, सवाल ही, क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो आगे और बढ़ेगा। अगर 4500 है, सुनो, एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट कितना लग रहा है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट कितना लग रहा है बेटे, 4600। हम ये चाहेंगे कि गोल्ड का प्राइस 4600 से ज्यादा हो, तभी एक्सट्रैक्ट करने का फायदा, नहीं तो क्यों बेकार में पैसा बर्बाद करें। क्या यहां बंद करना चाहिए? नहीं सर, नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड गोल्ड का प्राइस एक साल बाद कितना हो सकता है, 5000 × 5, 4000 × 5, 4000 × 0.5, यहां जरूर 4500 हो रहा है एक्सपेक्टेड, लेकिन आगे जाओगे तो प्राइस बढ़ सकता है, तो क्या इस पॉइंट पे हमको बंद कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि आगे जाएगा और फिर आगे जाएगा। अब आप यहां तक आ चुके हो, सेकेंड ईयर गोल्ड का प्राइस 6000 हुआ, तो क्या हमें बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए काम? नहीं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस थर्ड ईयर में तो बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लीजिए आप, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालोगे तो 4600 से ज्यादा ही आएगा। क्या यहां बंद कर देना चाहिए? नहीं भाई, नहीं, एक्सपेक्टेड प्राइस 4600 से ज्यादा ही आएगा। क्या यहां बंद कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस तो ज्यादा ही आएगा, तो बंद कहां कर देना चाहिए? यहां। अगर गोल्ड का प्राइस 4000 है तो बताओ थर्ड ईयर में प्राइस कितना हो सकता है गोल्ड का, 4500 × 0.5, 3500 × 0.5, तो बताइए गोल्ड का प्राइस यहां क्या हो सकता है? सर, गोल्ड का प्राइस यहां हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4000। जब मैं यहां खड़ा हूं, कहां खड़े हैं सर हम, सेकंड ईयर में, और हमको मालूम है कि थर्ड ईयर के एंड में गोल्ड का प्राइस 4000 ही रहेगा, जबकि उसको निकालने का खर्चा कितना आ रहा, 4600। बंद कर दो भाई, यही बंद कर दो सेकंड ईयर में। मालूम है कि अगले साल अगर हम काम करते तो लॉस ही तो होगा, अगर हम यहां बंद कर देते हैं तो हम बचा लेंगे कितना रुपए, बचा लेंगे हम 600 रुपए बचा लेंगे एक ऑन्स पर, दिख रहा है 600 रुपए। ये 600 रुपए कब बचेगा, थर्ड ईयर के एंड, और ये 600 रुपए बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 × 0.5, इट मींस अबंडनमेंट अगर मुझे करना है तो मैं यहां करूंगा। तो सर यहां नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहां करेंगे, यहां हम काम रोक देंगे। अगर हम यहां काम रोकते, क्योंकि हमको मालूम है कि गोल्ड का एक्सपेक्टेड प्राइस थर्ड ईयर के एंड में 4000 हो जाएगा, और हम जानते हैं निकालने का खर्चा कितना, 4600, तो कितना सेविंग हो जाएगा, 600 × 1000 × थर्ड ईयर का फैक्टर,
इनटू ये फायदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.25, इस एनपीवी में उसको जोड़ देंगे। तो बस यही बात मुझे लिखाना था, ये मैं एक पार्ट का लिखवा रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ओपन माइंड टूडे उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां लिख ले, शट डाउन द माइंड, इन सेकेंड ईयर व्हेन प्राइस ऑफ गोल्ड इज रुपीज 4,000, क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गोल्ड रुपीज 4,000 कैसे है, 4,500 इंटू 0.5 प्लस 3,500 इंटू 0.5 दैट इज 4,000 इज लेस देन 'cause expected price of gold that is rupees 4,000 at the end of third year. Yes. Less than cost of extraction. That is rupees 4,600. So savings your value of an abandonment. या इसको आप सेविंग्स बोल सकते, कितना बचा लोगे आप काम बंद करने से, कितना रुपए बचेगा भाई, 600 रुपए जो लॉस हो रहा नहीं होगा, कितना 1,000 ऑन्स है, और फैक्टर कौन से ईयर का लेना पड़ेगा, थर्ड ईयर का फैक्टर कितना आएगा, कौन सा है रेट 10% 1/1.1 1.75 और इतना फायदा होने का प्रोबेबिलिटी कितना 0.25, कौन सा 0.25, ये काम बंद हो जाएगा तो ये वाला 0.25 हो जाएगा, तो 600 इंटू 1000 इंटू 0.751 इंटू 0.25 तो ये आ गया 1,12,650। रिवाइज्ड एनपीवी -5,280 प्लस 1,12,650 तो ये आ गया 107,370। अब ओपन कर सकते हैं आज, लेकिन अभी और एक ऑप्शन है मेरे पास, एक साल बाद वाला देखते हैं, एनपीवी ज्यादा आ गया तो वो ज्यादा अच्छा। तो ये होता था, तो जो काम की चीज है ना बेटे वो ये चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल। अब चलो आगे बढ़ रहा है, चलो जी तैयार। यस, अब लिखते ओपन माइंड
तो एक साल बाद माइन ओपन करे तो क्या होगा सिचुएशन देख लेते, ये अभी लिख कर रखे, हो सकता मुझे काम आ जाएगा। ये आज रेट है, आज कितना 5000 कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, या तो कम हो सकता है, गोल्ड का प्राइस 4500, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, या तो हो सकता है कितना 5500 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। अगर 4500 हो गया तो हम माइन ओपन ही नहीं करेंगे, नॉट ओपन, बात ही खत्म हो गई। तो सीधी सीधी बात है, एनपीवी जीरो। अगर हो गया तो फिर क्या होगा सर, फिर क्या होगा जरा देखते हैं। फिर दो पॉसिबल, अब हम ओपन कर लेंगे तो गोल्ड का प्राइस कितना हो सकता है, 6000 और यहां 5000, प्रोबेबिलिटी 0.5 0.5। ये कौन सा ईयर है सर, ये ईयर वन, ये ईयर टू, फिर क्या हो सकता है, ये कौन सा ईयर, थ्री, प्रोबेबिलिटी बोलो 0.5 0.5, या कितना हो सकता है, या 5500 या फिर 40। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0.5। अब सुनो, माइन अगर आप यहां ओपन कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो यहां जा रहा है आपका कितना रुपए, 10 लाख। अब इधर तो कुछ जाएगा नहीं, बातें करूंगी, तो 10 लाख यहां जा रहा है। अच्छा सर, ये यहां तो एनपीवी जीरो ही रहेगा, बात ही खत्म होगी, यहां ना तो पैसा जाएगा ना तो आएगा, एनपीवी जीरो। अब एक बात बताओ बेटे, ये हो गया ये सेकेंड ईयर, यहां से 3 साल मतलब 4th साल भी चलेगा, यस, कितना हो सकता है, 4th ईयर सर 7000 भी हो सकता है, ओके सर 6000 भी हो सकता है, सर 6000 भी हो सकता है, 5000 सर 6000 भी हो सकता है और 5000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है और 4000 भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसको मैं रफ कर देता हूं, बाद में देख लेंगे क्या चक्कर है। चलो जी, प्रोबेबिलिटी देख ले, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। तो अब सुनो मित्र, मैं यहां से यहां तक का काम कर लेता, ठीक है, और फिर ये वाला तो कर लेंगे, तो इट मींस कि मैं इसको जीरो मान के भी चल सकता हूं, इसको जीरो मान के, इसको आप फर्स्ट ईयर मान के भी काम कर सकते हो सर, फर्स्ट ईयर यहां तक का निकाल। तो चलो इधर से एनपीवी निकालते हैं और इधर से मैं अभी इसको फर्स्ट ईयर का मान रहा हूं, यहां से समझना मेरी बात, सुनना ध्यान से बेटे, यहां से काम स्टार्ट हो रहा, तो पहले साल ये एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है, ये प्राइस हो सकता है, ये प्राइस हो सकता है। सर प्रोबेबिलिटी कितना लेंगे, 6000 × 0.25 लेना चाहिए बेटे, अभी इस प्रोबेबिलिटी को मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं बाद में जितना भी आएगा 0.5 से बाद में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब एक तो हमारे लिए काम कर रहा ईयर टू, ये वाला क्या जाएगा ईयर थ्री,
और ये वाला क्या जाएगा ईयर फोर, ठीक है जी सर। अब यहां लिख रहा हूं मैं एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गोल्ड, ये वाला तो सीधा कैलकुलेटर में करूं ज्यादा अच्छा सर, कैसे होगा 0.5 ले रहा हूं इसको, यहां से ले रहा हूं, बाद में फिर 0.5 को एक साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है सर। तो ऐसा ले ले 6000 × 0.5 और 5000 × 0.5 यहां आ गया गोल्ड का प्राइस 5500। अब ये वाला ले लेते हैं 0.25, तो सबको जोड़ के सीधा 0.25 लिख सकता हूं, 6500 प्लस 5500 प्लस 5500 प्लस 4500 इज इक्वल टू इन 2.25, तो ये भी 5500 ही आया, 0.125 होगा, तो 7000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 6000 इन 2.125 तीनों ही साल गोल्ड का प्राइस 5500 आया। अब इसमें से क्या माइनस करना, इसमें से माइनस करना एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, फोर्टी सिक्स हंड्रेड तो बताओ बेटे कितना आया प्रॉफिट, 400 नहीं आपकी बार 900, यहां कितना 900 और 900 कितना क्वांटिटी ऑन्स 1000 कैश इनफ्लो है सर 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 9 लाख रुपए। बताओ बेटे फर्स्ट ईयर में कितना जा रहा है 9 लाख, सेकंड ईयर में 9 लाख, थर्ड ईयर में 9 लाख, एनपीवी निकाल सकते हो, और जाएगा कितना 10 लाख पर, 10 लाख कब जाएगा फर्स्ट ईयर में, अब समझना एनपीवी बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एनपीवी कैसे निकाल, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीआई, हर साल कितना आएगा 9 लाख, मल्टीप्लाई होगा पीवीएफ 10%, याद रखें 2 2 4, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का फैक्ट, ये कैसे निकलते हैं 1 / 1.10, पहला साल छोड़ा, सेकंड ईयर एम प्लस, थर्ड ईयर एम प्लस, फोर्थ ईयर एम प्लस एमआरसी, 2.2608 माइनस 10 लाख, और 10 लाख कब जा रहा फर्स्ट ईयर में, तो पहले साल का फैक्टर 909, ये क्या आया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कौन से साल का फर्स्ट ईयर, एनपीवी निकल जाएगा 9 लाख × 2.2608 और 10 लाख × 0.909, तो ये आ गए बेटे 11,25,720 पॉजिटिव है, लेकिन बेटे एनपीवी निकलेगा अगर हम इधर जाते हैं तो इतना एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, और 0 एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, तो क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल जाएगा, यस 1125720 × 0.5, ये वाला 0.5 मैंने छोड़ दिया था, 0 × 0.5
आप निकाल लीजिए। 1,12,57,20.5 ये एनपीवी आ गया बेटे 562,860। इसका मतलब है यार कि हमको रुकना चाहिए एक साल तक, और एक साल बाद जब प्राइस बढ़ेगा गोल्ड का तब हम लोगों को माइन ओपन कर लेना चाहिए। ये तो बात समझ में आती है। अब एक चीज और बची है, वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। अबंडनमेंट ऑप्शन, अब बताना है कि कब माइन को बंद कर सकती हो या ओपन किया, बड़ा कम हुआ, आगे और बढ़ सकता है तो मतलब ही नहीं। अब आप यहां खड़े हो थर्ड ईयर 6,000, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या 4,600 से ज्यादा है? एक्सपेक्टेड प्राइस क्या 4,600 से ज्यादा? एक्सपेक्टेड प्राइस क्या 4,000 एक्स? नो, यहां आप बंद कर सकते हैं। इसलिए बस तो निकल जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस 4,600 से कम है, 4,500 आए थे। लिखोगे विशु शट डाउन माइन व्हेन शट डाउन माइन इन थर्ड ईयर। व्हेन प्राइस ऑफ गोल्ड इक्वल टू ₹45,000 बिकॉज एक्सपेक्टेड प्राइस इन फोर्थ ईयर 5,000 × 0.5 प्लस 4,000 × 0.5 = ₹4,500। याद रखना है फोर्थ ईयर का इज लेस देन कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट इज ₹46,000। तो वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट या सेविंग्स, कितना सेविंग्स करोगे हर अकाउंट्स पर ₹100, कितना क्वांटिटी है 1,000, कौन सी ईयर में सेविंग्स होगी फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर का फैक्टर ले लीजिए 1/1.10 1, 2, 3, 4, 0.683 और इतना फायदा होने की प्रोबेबिलिटी कहां से आएगा 0.5 आएगा पूरा की पूरा मतलब 0.125 100 × 1,000 × 0.683 × 0.125 आप बचा लोगे ₹8,537 या 388। तो रिवाइज्ड एंट्री ₹5,62,860 + ₹8,538 आंसर आ गया ₹571,398। तो फाइनली यही हो गया कि भाई हमको एक साल बाद माइन ओपन करना चाहिए और इस उम्मीद से कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, उसी में एनपीवी ज्यादा आ रहा किसी भी हालत में।
इतना बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर प्रैक्टिस मैनुअल में है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है। हाँ जी बच्चों, पिछला क्वेश्चन जो था पिछली क्लास में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और मैं मजबूर था, मुझे बनाना ही पड़ता। सर पॉसिबिलिटी क्या है बेटे, अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन कम से कम 16 नंबर का, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसके आने की। तो सर नया क्वेश्चन ले। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 35 डिसीजन ट्री का ही है, हालांकि इसमें डिसीजन ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 14 पे चाहिए। फॉलोइंग आर द एस्टीमेट्स ऑफ नेट कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट मैसर्स एक्स लिमिटेड। ईयर दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स हो गया। ईयर जीरो, ईयर है प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.5, 0.2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो पीरियड में 4 लाख हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है 0.3, 4 लाख हो सकता है भाई, वो तो 4 लाख ही होगा ना, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का क्या लॉजिक है। एस्टिमेटेड नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो मतलब CFAT 1 to 5 दे रखा, वो 5 है, 1 to 5 हर साल आएगा 1-1 लाख, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, यह आएगा 1-10, 1-10, यह आएगा 1-20, 1-20। सैलवेस या तो 20,000 भी आ सकता है या तो 50,000 भी आ सकता है, तो मतलब एक जो है ना पहला वाला सबसे बुरी कंडीशन में, और फिर है नॉर्मल, और फिर है सबसे अच्छी कंडीशन में, मतलब 3 सिनेरियो दिया हुआ है, वर्स्ट, एवरेज मतलब नॉर्मल और बेस्ट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। फाइंड द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना, तो सर एक्सपेक्टेड एनपीवी बहुत सारे तरीके हैं, कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कर लीजिए, एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू कर लीजिए, और वैसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप हर साल का हर सिनारियो में एनपीवी निकालिए, वर्स्ट केस में निकालिए, बेस्ट केस में निकालिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और सुनो सुनो सुनो, पॉइंट नंबर 2 में बोला भी है, तो मैं दोनों ही सिचुएशन समझा दूंगा। अगर पॉइंट नंबर 2 नहीं बोलता, सिर्फ बोलता एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, तो फिर मैं कैसे निकालता, अभी मैं तीनों कंडीशन में अलग अलग। चलो तैयार, यस पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। On the basis of worst outcome, तो बताओ बेटे हर साल कितना आएगा NPV? सर हर साल आएगा इसमें 1 लाख। PVAF 10% 5 years plus salaries भी है 20,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% माइनस कितना हो जाएगा 4 लाख। वन डिवाइडेड 1.10, 1, 2, 3, 4, 5 GT फैक्टर दिया है कि नहीं दिया, हम 4 डिजिट में लेंगे 3.7908। तो 1 लाख इंटू 3.7908 एम प्लस 20,000 इंटू 0.6209 एम प्लस MRC माइनस 4, ये नेगेटिव आ गया 850। सर अब क्या नॉर्मल केस,
एनपीए। हर साल कितना आ सकता है? 1,10,000। 3.7908 प्लस और कितना आ सकता? 50,000। 1,10,000 × 3.7908 50,000 × 0.6209 - 4,8033। तीसरा कंडीशन कौन सा? बेस्ट एनपीवी से 1,20,000। कितना भाई इस कंडीशन में? 60,000। शालवेस माइनस तो एनपीवी आ गया 9,215। पर हम लोगों को क्या निकालना? हम लोगों को निकालना एक्सपेक्टेड एनपी। तो बताओ बेटे, एनपी भी नेगेटिव हो सकता 8,502 और ये एनपीवी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 प्लस या कितना हो सकता है? 4,8033 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5 या कितना हो सकता है? 92,150 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो 0.2। तो ये आ गया एक्सपेक्टेड 8,502 × 0.3 + 4,8033 = 92,150 तो ये आ गया एनपीवी 39,895 है। तो इसको ले लेता हूं मैं 89। दिस इज एक्सपेक्टेड एनपी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर मुझसे ये नहीं पूछता बेस्ट और वर्स्ट, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में, तो फिर आप सब कैसे निकालते एक्सपेक्टेड एनपीवी? बेटे मैं क्या करता अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव मैं सबसे पहले ले लेता एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो 1,10,000 × 0.5 + 1,20,000 × 0.2। ठीक है, फिर क्या ले लेता एक्सपेक्टेड सॉल्वेंस वैल्यू, वो कैसे लेता मैं? 20,000 × 0.3 + 50,000 × 0.5 + 60,000 × 0.2। और फिर ये ले लेते एक्सपेक्ट 1,02,3 + 1,10,000 × 0.5 + 1,20,000 × 0.2 + 1,00,000 तो ये आ जाता 1,09,000। 20,000 × 0.3 = 50,000 × 0.5 + 60,000 × 0.2 और ये आ जाता 43,000। और फिर मैं एक्सपेक्टेड एनपीवी सीधा निकाल लेता
1,09,000 हर साल आएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई किससे होगा 3.7908 प्लस 43,000 आएगा फिफ्थ ईयर में मल्टीप्लाई किससे होगा 0.6209 माइनस किससे कर देंगे 4 लाख से 1,09,000 इंटू 3.7908 एम प्लस 43,000 इंटू 0.6209 एम प्लस एमआरसी माइनस 4 लाख वन लैख नाइन थाउजेंड इंटू 3.7908 एम प्लस और 43,000 इंटू 0.6209 एम प्लस एम आर सी माइनस क्या कर देते 4 लाख तो ये आंसर आ जाता 39896 ये आंसर मैच हो जाता। तो सर ये बताओ कि ऐसा कब करना है ऐसा कब करना है बेटे जब बोलेगा सिर्फ एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो तो मैं ऐसा कर लेता। इस बार बोला है उसने साफ साफ कि अलग अलग कंडीशन में बताइए तो अलग अलग कंडीशन में मैंने बताया। देखा जाए तो मुझे आप भले नोट कर लेना इसको पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है पॉइंट नंबर टू बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एनपीवी तो निकल गया मेरा। ये कौन सा है बेस्ट तो ये 1 एंड 2 हो गया देखा जाए तो 1 एंड 2। अब करते हैं बात पॉइंट नंबर 3। हाँ पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली डिपेंडेंट ओवर टाइम अंडरलाइन करो परफेक्टली डिपेंडेंट ओवर टाइम एंड इंडिपेंडेंट ओवर टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस अंडरलाइन करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस। अब सुनना ध्यान से ये काम की चीज है पॉइंट नंबर 3 अब सुनना एक होता है परफेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस परफेक्टली डिपेंडेंट आप बना के बता रहा हूं ध्यान से इट मींस पैसा लगा होगा यहां एग्री जी सर पैसा ही होगा क्या चांसेस है सर 3 प्रोबेबिलिटी बनते 3 चीज की ये बनाने की जरूरत नहीं है बस आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूं। या तो कैश पर 1 लाख हो सकता है 1,10 होता है 1,20 होता है या तो कैश फ्लो 1 लाख आ सकता है या तो 1,10 आ सकता है या तो 1,20 आ सकता है। सबसे बुरा वाला तो ये और इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 परफेक्टली डिपेंडेंट का मतलब अगर वर्स्ट आया तो आगे सबके साथ वर्स्ट ही आएगा दिस इज परफेक्टली डिपेंडेंट इसका मतलब वर्स्ट आया तो फिर 3 प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी 3 चांस है वर्स्ट है खराब है तो आगे सब खराब इट मीन्स आगे 1 लाख ही आएगा और सर 3 नहीं हो सकते अब नहीं हो सकता क्योंकि डिपेंडेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ये सेकेंड ईयर होता है फिर 1 लाख ही आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 फिर 1 लाख ही आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 और फिर 1 लाख ही आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 तो सीधी सीधी बात है उसने सिर्फ वर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस 0.3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0.3 ही होगा। ठीक है ये कब की बात है अगर परफेक्टली डिपेंडेंट है। ओके सर सर मान लो अगर इंडिपेंडेंट होता तो बताइए वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी क्या सोचते सोचते हैं सिचुएशन ऐसी
ये इन सिचुएशन ये सबसे खराब, पैसा कितना 1 लाख, प्रोबेबिलिटी कितना 0.3। सिर्फ मैं खराब खराब वाला कर, फिर तीन सिचुएशन, सबसे खराब ये 1 लाख, फिर तीन सिचुएशन सबसे खराब ये, सिर्फ खराब खराब वाली बात करूंगा 0.3, फिर तीन सिचुएशन सबसे खराब ये 0.3, फिर तीन सिचुएशन सबसे खराब ये 0.3। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्स्ट फिर वर्स्ट फिर वर्स्ट फिर वर्स्ट फिर वर्स्ट, हालांकि हर बार तीन प्रोबेबिलिटी मतलब इंडिपेंडेंट है। पिछला 1 लाख रुपए आया, आगे क्या आने वाला नहीं मालूम, पर तीन सिचुएशन बनती है मतलब इंडिपेंडेंट है कि 1 लाख पर बेस्ट पर नहीं डिपेंडेंट, तो सीधा सीधा वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। 0.3 × 0.3 × 0.3 × 0.3 × 0.3, तो इसको ऐसे कर सकता हूं ना 0.35। हाँ सर वो भी चलेगा, देख लेते हैं यहां अच्छे से लिख दूं क्या। पॉइंट थ्री इंटू इक्वल दो तीन चार पांच, तो ये आगे बैठे 0.00243। ये वाला पॉइंट अच्छा था, इसमें पॉइंट नंबर 3। अब आगे चले, बात समझना, डिपेंडेंट मतलब आगे सब वर्स्ट वर्स्ट, इंडिपेंडेंट मतलब पिछला क्या है हर बार तीन तीन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सीवी निकालना है। Assuming that there are only three streams of cash flow, three streams का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक stream, ये एक stream, ये एक stream, मतलब तीन type के cash flow हो सकते हैं। Standard deviation and coefficient of variation CV, assuming that there are only three streams of cash flow which are represented by each column, हर एक column मतलब ये NPV, ये NPV, ये NPV हो सकते हैं। By each column of the table with the given probability, वो तो हम कर चुके हैं, बस हमको अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना। चलो पॉइंट नंबर 4 यही बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये एक एनपीवी, ये एक एनपीवी और ये एक एनपीवी, तो एनपीवी कितना -8502। पर आपने क्या सोचा था कितना आएगा, 39896 का स्क्वायर, और इतना डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3 प्लस 48033 माइनस 39896 स्क्वायर, और इतना डेबिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.5 प्लस 92150 माइनस 39896 इनटू पॉइंट एडीएज है, तो 8502 माइनस 39896 इनटू इक्वल टू इनटू 0.3 एम प्लस 48033 माइनस 39896 इनटू इक्वल टू इनटू 0.5 एम प्लस 9
2150 minus into is equal to into 0.2 m plus mrc square root. HD आगे 35804 राउंड ऑफ कर दिया. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा. CV फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार. 35804 डिवाइडेड 39896. तो ये आ गया 0.8989 का मतलब 90 ले लो, 897 ले लेता हूं. ठीक है, ये मांगा था मैंने निकाल दिया. अब आखिरी पॉइंट बचा हुआ पॉइंट नंबर 5, देखते क्या होता. देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इट्स एवरेज प्रोजेक्ट which in the range of 0.9521. If the coefficient of variation of the project is found to be less risky than average, 100 basis points are deducted from company's cost of capital. Should the project be accepted by X Limited? CV of X Limited, its average working capital, average project. So now you answer. CV उसका ये कहना है 0.9521. ये है CV. This is risk, high risk. इधर कम risk, इधर high risk. जितना CV ज्यादा उतना high risk. और इधर low risk. ठीक है, आपका कितना आया? आपका आया 0.897, मतलब यहां कहीं आया 897. हाँ, 95 से तो कम ही है ना यार. 897 आपका ये आया. अब क्या बोल रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इट्स एवरेज प्रोजेक्ट व्हिच इन द रेंज ऑफ 0.9521. इफ द सीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारा सीवी जो है वो लेस रिस्की है एवरेज, ये एवरेज है, इससे भी कम है ये हमारा. ठीक है, तो 100 बेसिस पॉइंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 10% 10% 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1% घटा देंगे. तो क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते? इसका मतलब अब हमको फिर से निकालना पड़ेगा क्या? एनपीवी. कोई बात नहीं, हम शॉर्टकट तरीके से निकाल लेंगे. पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स सीवी इज 0.897 is less than 0.95, hence it is less risky than cost of capital is equal to 10% minus 1%. To kitna lena padega? 9%. Fir se kya nikaloge? N. So ye bade wale tarike se nikalenge ki sawal hi paida nahi hota bette. मैं उतने बड़े तरीके से मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालूंगा 100,000 इंटू, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.3, एक 10 इंटू 0.5 और एक 20 इंटू 0.2, ये 109,000 एक्सपेक्टेड. पीवीएफ ले लेंगे, अब की बार कितने परसेंट का? 9%. कितने साल का? 5 साल. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आ गया 3.8896. सैलरीज भी एक्सपेक्टेड देख लेते, 20,000 इंटू 0.3, 50,000 इंटू 0.5, 60,000 इंटू 0.2, 43,000.
इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का 9%, कितना साल, 5 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 0.6499। और इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 4 लाख, एक लाख 9,000 इंटू 3.8896, 43,000 इंटू 0.6499 माइनस 4, एनपीवी आ गया 51912। क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा? यस, जब 10% पे एक्सेप्ट है तो 9% पे वो नहीं होना चाहिए, एनपीवी पॉजिटिव। तो ये भी अगर देखा जाए तो बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप करना चाहो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। बस डिसीजन ट्री खत्म है और कुछ है नहीं है। कुछ होमवर्क ले लो, ज्यादा अच्छा डिसीजन ट्री में होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 41, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, तो होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 15 होमवर्क है, 41 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 16, ये भी होमवर्क है। कौन कौन सा दे दिया? 38 दे दिया, 41 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या अच्छा सर? क्वेश्चन नंबर 18, 18, 18, 18, 18। अच्छा, ये तो अभी वाला ही क्वेश्चन, तो ये भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 7, ये भी होमवर्क है। इसके अलावा मैंने 16, 35 और 43 करवाया। अब डिसीजन ट्री हमारा खत्म हो, होमवर्क पक्का करो, अगली क्लास करने से पहले होमवर्क हो जाना चाहिए। अब सर हो गए आप चारों चीजें, कौन कौन सी चीज किया हमने? पहला याद दिला रहा हूं, पहले हमने किया प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, दूसरा किया हमने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, तीसरा कौन सा किया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, चौथा कौन सा किया डिसीजन ट्री, पांचवा है हिलियर मॉडल। हिलियर मॉडल को मैं अभी छोड़ रहा हूं, वो लास्ट में कवर करेंगे, कैपिटल बजटिंग के लास्ट में। तो सर फिर बचा क्या? एक बचा सेंसिटिविटी एनालिसिस और एक बचा इन्फ्लेशन। तो पहले क्या करना चाहोगे? सेंसिटिविटी करते हैं सर, पहले आप करेंगे सेंसिटिविटी, उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद हिलर मॉडल, और उसके बाद जो दो चार क्वेश्चन बचे होंगे खत्म हो जाए। अगली क्लास में सेंसिटिविटी एनालिसिस।